मालिक मालिक, हम फसल की कटाई कैसे कर रहे हैं? क्या हुआ? वीरा रेड्डी के आदमी ट्रकों को आने नहीं दे रहे। इसे बताओ, जब ट्रक आएंगे तभी तो हमारी फसल बाजार में बिकने जाएगी। मालिक, फाटक पे वीरा रेड्डी के आदमियों ने ट्रकों को रोक लिया। मालिक, अब तक तो फसल काटने से पहले ही उसे आग लगा देते थे, इस बार ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए बाजार जाने से रोक रहे हैं। भाई, सफेद गन्ने से ही सिर्फ शक्कर बनती है, इसलिए हमने इन्हें काले गन्ने उगाने की सलाह दी ताकि इन्हें त्योहार के वक्त अच्छी कीमत मिल सके। हमें कल तक फसल काटनी होगी और गन्नों को बाजार पहुँचाना होगा, ऐसा नहीं हुआ तो भारी नुकसान होगा। इतना हड़कम क्यों मचा रहे हो? मेरा पोता गया है ना ट्रक लाने के लिए, वो ट्रक लेकर ही वापस आएगा, फिर हम साथ मिलकर ये त्योहार मनाएंगे। सारा रास्ता ब्लॉक कर दो। भाई भाई, मालिक के मना करने के बावजूद वो ट्रक, उन्होंने ट्रक भेज दिए और साथ में वेलू भी आ रहा है। आने दे उसे, देखता हूँ कैसे इसे पार करता है। वीरा रेड्डी के मना करने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत हुई ट्रक लाने की? वेलू के अलावा हम किसी की नहीं सुनते। ए, इज्जत से ट्रक ले जा, वरना ट्रक जला देंगे। ट्रक नहीं हटेगी। जला दे ट्रक। अच्छे से डाल। मशाल से आग लगा रहा था, वेलू खुद एक ज्वालामुखी है, हमारा भगवान आ गया, अब सामना कर। ए, ट्रक के साथ इसे भी चला डालो। ए, क्या ट्रक जलाने की बात कर रहा है, मैं हूं ना, मैं ही जला देता हूं। भाई, मेरे को लगता है इसकी सटक गई है। ए, क्या कर रहा है? हेलो, ए, आज तुझे बताता हूँ कहर किसे कहते हैं। आंधी आए तो छप्पर उड़ता है, तूफान आए तो घर उड़ जाता है, बाढ़ आए तो पूरा गांव बह जाता है, अगर सुनामी आए तो पूरा जिला बह जाता है, और अगर ज्वालामुखी फटे तो पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। लेकिन इन सब का बाप ये वेलू है। एक लीटर पेट्रोल खरीदने की औकात नहीं है उसकी, और मेरे ट्रक जलाएगा वीरा रेड्डी। पुलिस में डर नहीं होता, वकील में बेईमानी नहीं होती, शिक्षक में हिंसा नहीं होती, सैनिक में लालच नहीं होता, कसाई में दया नहीं होती, और तुझ जैसे गुंडे में दिमाग नहीं होता। ये गुंडागर्दी तुम्हारे बस की बात नहीं है। मारो इसे। Oh!
इसे कैसे पकड़ते हैं ये भी नहीं जानता। पांचों उंगलियों से कस के पकड़ेगा तो फिसल जाएगा। तीन उंगली से पकड़, अंगूठे का सहारा ले, छोटी उंगली लूज छोड़, देख। उसके बाद नारियल काट या किसी का सर, ये फिसलेगा नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तूने इससे कितनों को मारा, ये जिसके हाथ में है वही सर उड़ाएगा। वेलू, परेशानी तो नहीं हुई? अरे बिल्कुल नहीं चाचा। जा, कपड़े बदल कर आ, जश्न मनाएंगे। ये कहाँ है? बाहर है मालकिन। सबके सब निकम्मे। मैंने तुमसे कहा था कि एक भी ट्रक गांव में नहीं आना चाहिए, उल्टा तुम लोग अस्पताल में भर्ती हो गए और मेरा खर्चा बढ़ गया। भाई, ट्रक तो हम जला नहीं पाए, कुछ दिन में त्योहार आ रहा है, तब देख लेंगे उसको। तब देख लेगा? अबे कब देख लेगा? अबे दिन के उजाले में एक मुर्गी नहीं पकड़ सकता, रात में शेर के गुफा में हाथ डालने की बात कर रहा है। तुम लोग जब देखो हंडी में मुंह डालकर खच्चर की तरह खच्चर 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 खाते रहते हो। भाई, ट्रक इसलिए नहीं चले क्योंकि हमारे पास घासलेट था। घासलेट? हां भाई। ये पढ़े लिखे अनपढ़ जी। भैया, मैंने तुझे पेट्रोल खरीदने के लिए बोला था ना। भैया जी, पेट्रोल अपने बजट में नहीं था, इसीलिए मैंने घासलेट खरीदा और 20 रुपए बचाया। तेरी? उसी 20 रुपए से हिसाब की किताब खरीद। अबे मुंशी, 20 रुपए बचाने के चक्कर में 5 लाख की गाड़ी उड़ा दी। अपने दीदे से शुगर फैक्ट्री से निकलते हुए धुएं का दीदार कर। वो जो धुआं है वो मेरे दिमाग के ज्वालामुखी का है। उसके नर्कवासी बाप ने मेरा सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, अब उसे बर्बाद करना ही मेरा इकलौता मकसद है। सांप काट लिया भाई, सांप काट लिया आप तो। क्या है? सांप, सांप ने मेरे को काटा ना, तो तेरे में जहर क्यों फैल रहा है? जा उसको पकड़ के मेरी शरण में ला। अबे अब क्या बीन बजाऊंगा तब पकड़ेगा, चल तेरी। मेरी बीवी केसर वाला दूध लाई थी, पता होता सांप को पसंद है तो उसके लिए भी मंगा लेता। ये बहुत तेजी से भाग रहा है भाई, पकड़ के ला, नहीं तो तेरे को डसूंगा। भाई, सांप तो बिल में घुस गया। भाई इस बिल में, इस बिल में घुसा है सांप। इधर भाई, भाई आराम से, क्या कर रहे हैं? ए, महफिल में 20 लोग थे फिर भी तुझे मैं ही नजर आया है? किधर से आया रे तू? बेलू का पाला हुआ है ना ये, क्या कर रहा है तू मेरे को? है 2 दांत घुसा के 32 दांत वाले को काटेगा तू? इस सांड को पिछले साल भी कोई काबू नहीं कर पाया था, अब देखना यह है कि वो कौन सा शेर है जो इस सांड को हरा पाएगा। रास्ते में चलता टायर है, बल्ली भाई फायर है। रास्ते में चलता टायर है, बल्ली भाई फायर है। रास्ते में चलता, इंतजार खत्म हो गया। ये है हमारी आन और हमारी शान। शान को पटकने के लिए पहुंच चुका है बल्ली पहलवान। सुखी चाप, तेरे दिन भर गए क्या? किसने बोला कि मैं शान को पटकने आया हूँ? नारेबाजी के साथ आप ही ने तो एंट्री मारी। तो क्या हुआ अब, ये सब क्या मेरी मैयत उठाएंगे? मैंने तो सोचा था आके छोले भटूरे खा के चला जाऊंगा। अरे बल्ली भैया, अंदर आके शान को पटक दो ना, अपने गाँव की इज्जत का सवाल है। कहना क्या चाहता है? गाँव की इज्जत के लिए अपनी इज्जत लुटा दूं? अरे मरना है तो लड़के मरो ना। मर गया तो देश कौन संभालेगा? अरे बल्ली भैया चक्री बन गए, सांड की नाक में उंगली डाल के पटक दो। अरे अपनी बीवी पे जोर आजमा, गरीब को धक्का क्यों देता है? अब आएगा मजा। इस सांड के इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे, मुझे छोड़ दे, तेरी सेटिंग लगवाता हूँ। अरे कैसे लिचर दोस्त है, बोले कि चलो बल्ली भाई मेला घुमाता हूँ। अब देखो ये बल्ली, बल्ली मलाई बनाएगा। हूँ मैं बल्ली, करूंगा आज मैं तेरी खल्ली बल्ली, एक ही घुसे में तू हो जाएगा टल्ली, तोड़ डालूंगा ऐ सांड तेरी नल्ली। आजा आजा आजा, या या। अरे सांड तो डर गया। अरे जिस जंग के मैदान में हम उतरते हैं ना, वहाँ जंग लड़ी नहीं जाती, कैंसिल हो जाती है। अगली बार इंटरनेशनल सांड भंगवाना। अब आएगा मजा। ओए नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? चित्रा की शादी को पूरे 7 साल हो चुके हैं, लेकिन स्वाति की शादी के लिए कोई बात ही नहीं करता। बताओ
सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? अभी अभी तो उसने अपने करियर की शुरुआत की है, शादी की बात करेंगे तो आतंक मचा देगी। राजामणि चाचा, स्वाति से पूछे बिना अगर आप उसके लिए कोई रिश्ता लाओगे ना तो वो उसे बिना देखे ही मना कर देगी। स्वाति, स्वाति, अरे बाप रे बाप, स्वाति घर छोड़कर भाग गई। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? घर छोड़कर गई। पहले पढ़ो तो। रुको, पढ़ती हूँ। आप मेरी मर्जी के बिना रिश्ता देख रहे हैं, ये मुझे मंजूर नहीं। रुको, आगे की स्क्रिप्ट जाकर किचन में मिक्सर के नीचे देखिए। इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। क्लाइमैक्स जाने के लिए बाहर गाड़ी के वाइपर चेक कीजिए। जरूर ये घर के सारे जेवर लेकर भागी होगी। एक्सक्यूज मी कार, मे आई कम इन? तूने तो कहा था घर छोड़ के जा रही है, तो यहाँ क्या कर रही है? आपने ठीक से पढ़ा नहीं। मैंने कहा घर के बाहर, गेट के बाहर नहीं। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पेरेंट्स की बात नहीं मानती और घर से भाग जाया करती हैं। अरे बिना आवाज के डब्बे पढ़ना। मैं स्वाति आप सबको लिख कर ये बताती कि मैं जब तक जर्नलिस्ट नहीं बन जाती, नगर सेवक से लेके समाज सेवक तक का मैं इंटरव्यू लेकर नहीं आती। अरे ये पठान चाचा ने लिखा है, गलती से बह गया था वगैरह वगैरह। मैं शादी नहीं करना चाहती। अरे मलेशिया में बैठे तेरे दादा दादी तेरी शादी की जिद कर रहे हैं। अरे अगर उनके लिए शादी कर ली तो मेरे सपनों का क्या होगा? स्वाति, जब भी मैं तुम्हें टीवी पर देखता हूँ तो डर भी लगता है और खुशी भी होती है। बेटा अपने पापा की परेशानी समझो, क्या तुम पापा के लिए अपने सपनों को छोड़ नहीं सकती? ओके। यस। ओवरएक्टिंग बंद करो, सिर्फ पापा के लिए। मेरा बेटा। वासु, तेरी कोयल खिलखिलाते हुए बाहर आ गई है। क्या पहना है उसने? गले में सोने की चेन, कान में हीरे की बाली और होठों पे लाली। अंधे पे ध्यान दे। अरे ये कोयल नहीं, कमाल है। हाय हाय, कब से वेट कर रही है? एक सादा डोसा है, दूसरी मैसूर मसाला डोसा। हमें कौन सा नाश्ता करना है, बस इस पर नजर रखनी है। पीछे चलो। स्वाति, कल लड़के वाले मुझे देखने आए थे और उन्होंने मुझे पसंद भी कर लिया। मन में लड्डू फूट रहे हैं। अरे किसी ने ढक्कन खुला छोड़ दिया। अरे छोड़ ना, हमें क्या करना है? कोई गलती से गिर गया तो? अरे हम तो नहीं गिरे ना। चुप रह, कुछ करना पड़ेगा। अब तू ये ढक्कन लगाएगी क्या? एक्सक्यूज मी, यहाँ आएंगे प्लीज? ये ढक्कन लगा दीजिए ना, कोई इसमें गिर सकता है प्लीज। तेरी दोस्ती पता नहीं जिंदगी में क्या क्या करवाएगी। अरे अरे निकल गए, निकल गए। चल 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 चल। इस दुकान में घुसी, इस दुकान में घुसी। ये तो 2500 का है, तू इसे फंक्शन के लिए ले रही है क्या? नहीं, रोज के लिए, रोज पहनने के लिए। अरे तो रोज के लिए फैशन स्ट्रीट चलते है ना। ढक्कन लगाने वाले ढक्कन पीछा कर रहे हैं। अरे वो हमारे पीछे आ रहे हैं। ये वासु, ये तो पुलिस स्टेशन में जा रही हैं। कहीं हवलदार तो नहीं है? लेकिन बॉडी लैंग्वेज से हवलदार की लैंग्वेज नहीं सुनाई दे रही। भाभी से बोल के आजा आजा की धरा पर। क्या कर रही हैं आप लोग? अरे अरे चल 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 चल। हाँ यही है। ये तो एक बड़ी डिटेक्टिव एजेंसी के चीफ ऑफिसर है। क्या बात है सर, क्या हुआ? ये दुल्हन बनने वाली है, दूल्हे के घर वालों ने हमें जासूसी करने भेजा है, इसीलिए पीछा कर रहे थे। सॉरी सर, कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। चलो सब लोग। स्वाति, लड़के के घर वाले मुझ पर शक कर रहे हैं। मुझे नहीं करनी है ये शादी, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी। हेलो, ये क्या कह रही हो तुम? लड़की वाले भी कई बार लड़कों की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, अगर वो लड़के भी शादी तोड़ दें तो उन लड़कियों का क्या होगा? पुराने जमाने में रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से लड़का लड़की के बारे में जानकारी मिल जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा करना मुश्किल है, तो लोग हमारे पास आ जाते हैं। जो भी हो, लेकिन लड़की का पीछा करना अच्छी बात नहीं है। वो देखो वहाँ उन दो लड़कियों को देखो, उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं जिनमें सिर्फ उनके पति उन्हें देखना पसंद करेंगे, और जब उनसे पूछो तो कहेंगे कि लेटेस्ट फैशन है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। इंसान उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल से जाना जाता है। कई बार माँ बाप पुराने ख्याल वाले होते हैं, पजेसिव होते हैं, वो नहीं चाहते उनके बच्चे ऐसे कपड़े पहने, तो उनकी जानकारी के लिए हमारे पास आते हैं। पेरेंट्स अपनी बच्चियों से सवाल नहीं कर पाते और चुप बैठ जाते हैं। मैं आज सुबह से तुम दोनों का पीछा कर रहा हूँ। तुम्हारी ये दोस्त वाकई दिल की बहुत अच्छी है, पैसों की कीमत जानती है, समझती है, लेकिन तुम्हें पैसा उड़ाना पसंद है। इनका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में होता है और तुम जस्ट पास होती हो। खत्म, टाटा बाय बाय। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में अच्छा फीडबैक दूंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा बदलना पड़ेगा, इससे तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी।
लेकिन तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। जिससे भी तुम्हारी शादी होगी वो वाकई नसीब वाला होगा। पापा इतनी रात हो गई अब सोए नहीं? माँ टेबल पर खाना रखा है, फ्रेश होकर खा ले। क्यों आज तुम नहीं खिलाओगी? आजा। तुम्हारे इंतजार में गुस्सा होके बैठी है, अब तुम ही मनाओ उसे। क्या हुआ? रात को मेरे सोने के बाद घर आते हो और सुबह उठने से पहले निकल जाते हो। तुम्हें फोन कर रही थी तो तुमने जवाब भी नहीं दिया, इसलिए ये और घबरा गई। अरे क्या माँ, कहाँ रहते हो तुम? एक फोन तो कर ही सकते हो ना, जवाब दो मुझे। वो एक बच्चा खो गया था। कैसे? 4 महीने का बच्चा था। क्या? कुछ गुंडों ने उसे किडनैप किया और परिवार से 1 करोड़ रुपए मांगे। किसी बड़े घर का बेटा था, वो लोग पैसे देने के लिए तैयार थे, लेकिन इससे पुलिस की नाक कट जाती तो पुलिस ने सुबह होने से पहले हमसे बच्चा ढूंढने में मदद मांगी। बच्चा ठीक तो है ना? बच्चा बिल्कुल ठीक है माँ, उन गुंडों को भी अरेस्ट करवा दिया। मुझे मेरा बच्चा ही क्यों नहीं मिला? लक्ष्मण एक बार मैं उसे अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था, लेकिन तुम मुझसे रूठ कर बैठ गई थी। अब रो मत माँ, प्लीज माँ प्लीज। शांत हो जाओ लक्ष्मी, शांत हो जाओ। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया है, गाड़ी तैयार है कि नहीं? हाँ भाई तैयार है। दादी मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा किसके साथ जाओगी? मुन्ना अंकल है ना, वो मुझे छोड़ देंगे। हाँ ठीक है, बाय बाय दादी। इनकी क्या समस्या है? देखो बात क्या है, इसका अपना तो कोई बच्चा नहीं है, 2 साल पहले इसने अपने बड़े भाई का बच्चा गोद लिया था। अब बच्चे की माँ बच्चे को वापस मांग रही है और ये देने से मना कर रहा है, अब क्या किया जाए? अरे जब देखो तब मसले लेके आ जाते हो, कोई काम धंधा नहीं है क्या? जिसका बच्चा है उसको देख के खत्म करो, लानत है तुम पे। हाँ भाई। मालिक मैं 2 साल से इसे अपने बच्चे की तरह पाल रहा हूँ और अब ये इसे वापस मांग रहे हैं। ये क्या, तुमने मर्जी से इन्हें बच्चा दिया था ना, अब तुम वापस कैसे मांग रहे हो? इस बारे में बाद में बात करेंगे, चलो अब यहाँ से जाओ। ए, मैंने तुझसे कहा था ना एक गाय खरीद के लाने के लिए, तो फिर अभी तक गया क्यों नहीं, यहाँ क्यों खड़ा है तू? तो जा रहा हूँ ना, आज मैं फैसला करने के मूड में था, आपने करने दिया नहीं। अब गाय तो क्या पूरा तबेला लेकर आता हूँ। दादी माँ हो सकता है किसी मजबूरी में उसने बच्चा दे दिया, लेकिन माँ अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती, इसीलिए वो कोई बहाना बनाकर बच्चा वापस मांग गई। अगर आप मेरी बात माने तो बच्चा अपने असली माँ बाप के पास ही ठीक है। वैसे आप मुझसे बेहतर जानती है, मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा, बाद में मिलता हूँ। ये क्या, कहिए मुझे छोड़कर चला तो नहीं जाता? क्या कह रही हो माँ, वेलू हमारा ही बच्चा है, मेरे भैया भाभी ही तो आखिर इसके माँ बाप थे। अब इस बात को गुजरे कई साल हो चुके हैं माँ, अगर कोई आया भी तो हम लोग संभाल लेंगे। हाँ माँ आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं। अरे चिरकुट तू मुझे यहाँ बैल बाजार लेकर आया, यहाँ दूध देने वाली गाय कहाँ मिलेगी? दूध देने वाली गाय ये रही। अच्छा ये, अरे बासी चावल इसको ओढ़ने क्यों ओढ़ाई है? अरे शर्मीली है, है? गाय की झोंकरी है। ए टकले कैसा जालिम आदमी है तू, बेचारी गाय को खुला छोड़, चारा चरेगी, दूध देगी, सेहत बनेगी, ओढ़नी ओढ़ा के कोने में बिठा रखा है। देखो मुझे नहीं लगता ये गाय है, दूध नहीं देगी। मैं झूठ नहीं बोलता, सुबह में 40 लीटर, शाम में 40 लीटर और 2 लीटर फ्री, और बाकी का तू खुद ही दूध दे देना है। अबे टकले गाय की दूध की फैक्ट्री क्यों झूठ बोल रहा है? नरक में तेरे को अगरबत्ती से चटका देंगे। अबे तेरी बीवी की कसम खाता हूँ, दूध की नदी बहाएगी। ए मेरी बीवी की कसम खाता है? अरे कोट पे स्टिकर लगा के नकली बीवी को खड़ा करके तू एक नंबर का झोलर लगता है, पक्का ये बैल है। यमराज से डर के सच बता। अरे भाई साहब मैंने इसका नाम शर्मिली रखा है। शर्मिली कुछ ज्यादा ही शर्मा रही है, अभी बैल का बैल और गाय का गाय हो जाएगा, देखता हूँ। अबे महापापी बैल को गाय बता के यहाँ बेच रहा है, आज तेरा वो हशर करूंगा कि हर बैल की नजर तुझ पे होगी। कुछ भी करने का लेकिन अपने कोट पे हाथ नहीं डालने का, आज तू अपने घर नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाऊंगा, नहीं जा पाएगा। इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। ये अपनी बीवी को गले लगा के क्यों चिल्ला रहा है? इतना चिल्ला क्यों रहा है? ये मेरी बीवी उसे रहा था। Attention, standardies. Good morning, Vasu sir. Morning, Bhaskar. क्या चल रहा है? सर शाम एक VIP function है, बस उसी की तैयारी चल रही है। क्या रही हो? Hi Vasu. मजे कर रहे हो? मजे? Matrimonial में लड़कियों की inquiry कर रहे हो? इसे मजे नहीं कहेंगे क्या? हमें देखो, crime department में criminal जैसा mind हो गया है। Crime department का भी अपना ही अलग मजा है। See you guys. Morning. इसने crime से matrimonial department में transfer क्यों लिया? क्योंकि इसकी माँ नहीं चाहती कि ये शहर से बाहर जाए। Good morning sir. Morning. Vasu, सुनो, मैंने ललन और बब्बन को दुल्हन की जासूसी करने के लिए भेज दिया है, और दूसरे केस में मैं चला जाऊँ क्या? किधर लेके जा रही है? तुझे क्या करना है? अरे बताऊंगी तो तू आएगी नहीं।
ये तो डिटेक्टिव एजेंसी ले आई। ए, यहाँ क्यों लाई है मुझे? तू बस चल ना। नहीं रे बाबा, वो फिर से भाषण देना शुरू करेगा और मेरा सर दुखेगा। तुझे जाना है, जा, मैं जा रही हूँ, बाय। ए, ये लड़की के दोस्तों के एड्रेसेस हैं, इन पर जाके फॉलो अप करना। अच्छा ठीक है। मुझे एक लड़के का बैकग्राउंड पता करना है। अरे ये तो मेरिट वाली है। ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और सर की साइन ले लीजिए। स्वाति, हाउ आर यू? फाइन थैंक्स। बैठो ना। तो बताओ कैसे आना हुआ? घर वालों ने मेरे लिए लड़का देखा है। अरे कॉन्ग्रेट्स, गुड गुड। थैंक्स। तो कौन है लड़का? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? घर वालों को उसके बारे में पता है। और मुझे उसके कैरेक्टर के बारे में जानना है, तो बस आ गए। एप्लीकेशन दिखाना। टी वासुदेवन, ये तो मैं ही हूँ। मूर्ति, जरा ये पढ़कर देखो। टी वासुदेवन, गली नंबर 1, श्रीनिवासन स्ट्रीट। आए, इसने तो तुम्हारा नाम लिख दिया। वही तो। तुम्हारे ऑफिस में हिस्सा मांगने तो नहीं आ गई? इसे देखकर तो वैसा नहीं लगता। हेलो दोस्तों, डाउन टू अर्थ प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज जिस जगह आपको ले जाएंगे उसका नाम है तूतुकुड़ी, और ये शहर सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत मशहूर है। वासु, जरा देख तो इसे। इस शहर से नमक हमारे देश के कोने कोने तक पहुंचता है, और तो और देश के बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। कितनी खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है बस इसकी बातें सुनते रहो। अरे माँ, रट्टा मार के तोते की तरह बोल रही है, बेकार में इसकी तारीफ कर रही है। तेरे मम्मी पापा तुझे बिना बताए तेरे लिए लड़की तो नहीं ढूंढ रहे? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये आप लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, इस लड़के की फोटो नहीं है? मम्मी ने दी थी लेकिन देखी नहीं। क्यों? अगर उसकी सूरत अच्छी निकली लेकिन सीरत अच्छी नहीं हुई तो शायद मन बदल नहीं पाऊंगी। इसीलिए सबसे पहले मुझे उसका कैरेक्टर जानना है, जो आप बताएंगे। अगर सीरत सुंदर और सूरत बदसूरत हुई तो क्या करेंगी? मैं शादी कर लूंगी। सूरत से ज्यादा सीरत जरूरी होती है। एक बात आपको बता दूं कि हर लड़की सूरत पर नहीं मरती। ये आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा होगा। घूंघट में था इसको कैसे पता चला? फीडबैक कब तक मिल जाएगा? मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, मैं अपने लड़कों को काम पर लगाकर रिपोर्ट निकलवाता हूँ। ओके, एप्लीकेशन में मेरा एड्रेस भी है, आप प्लीज फीडबैक कुरियर कर देना। मूर्ति, स्वाति का फोन। मैं स्वाति बोल रही हूँ। हाँ, तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ। एक्चुअली अभी उस लड़के का पीछा कर रहा हूँ। वैसे होने वाला दूल्हा काफी स्मार्ट लग रहा है। तुमसे कुछ बात करनी थी, अभी मिल सकते हो? एक्चुअली मैं तुम्हारे ऑफिस के पास ही हूँ, बस 5 मिनट में आता। थैंक्स। अबे पहली गली से तीसरी गली तक 1760 सिग्नल है, तू शक्तिमान का भतीजा थोड़ी है जो उड़ के जाएगा? यार मैं आदमी उड़ के ही जाता है। तू जा, मैं पैराशूट नहीं लाया। मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। अच्छा, क्या चाहिए? मुझे गलत मत समझिएगा। गलत क्यों समझूंगा, जो पूछना है पूछो ना, बिंदास। मैंने आपसे फीडबैक मांगा था ना, क्या आप उसमें? क्या मैं उसमें? उसमें छूट लिख सकते हैं प्लीज? आप उसका कैरेक्टर बुरा बता सकते हैं? I'm sorry, मैं जानती हूँ ये सही नहीं है। लेकिन ऐसा किस लिए? फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहती, मैंने मम्मी पापा की खुशी के लिए हाँ कह दिया था। तुम्हें शादी कब करनी है? एक्चुअली मेरे कुछ सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। अभी जॉब पर लगे मुझे सिर्फ 6 महीने हुए हैं, मुझे अभी अपने करियर पर फोकस करना है ताकि एक बेहतरीन रिपोर्टर बन सकूं। इसमें 1 साल तो लग ही जाएगा ना। लेकिन तुम शादी के बाद भी अपना ये काम कर सकती हो ना? शादी के बाद ये सब नहीं कर पाऊंगी, बच्चे पैदा करने होंगे, उनका ख्याल रखना होगा, हस्बैंड का भी ख्याल रखना होगा, मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहती। लेकिन ये बात तुमने अपने माँ बाप को नहीं बताई? उन्हें बताया था लेकिन वो लोग राजी नहीं हुए, और अगर मैंने शादी के लिए मना कर दिया तो उन लोगों को ठेस पहुंचेगी ना। अपनी खुशी के लिए माँ बाप को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं होती। तो मुझसे क्या चाहती है? अगर तुम फीडबैक में झूठ लिख दोगे तो वो लोग शादी से मना कर देंगे, और कम से कम 1 साल के लिए तो मेरी शादी टल ही जाएगी। प्लीज। ओके, तुम जा, मैं संभाल लूंगा। थैंक्स। एडिक्टेड टू ड्रग्स। जल्दबाजी में हम अपनी बेटी की शादी एक नशेड़ी से करवाने वाले थे। सही कह रही हो माँ,
अच्छा हुआ असलियत पहले ही सामने आ गई। तू टेंशन मत ले स्वाति, तुझे इससे अच्छा लड़का मिलेगा। अगर आज के बाद राजामणि चाचा कोई ऐसा वैसा रिश्ता लेकर आए ना तो उनकी चाय में जहर ही मिला दूंगी। सॉरी स्वाति, तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से बच गई बेटा। कोई बात नहीं पापा। हेलो। हाय, मैं स्वाति बोल रही हूँ। हाँ स्वाति, फीडबैक आज आ गया था और मैंने दिखा भी दिया। थैंक्स। ओके। तुमने मेरी ही रिक्वेस्ट पे उसे ड्रग एडिक्ट बताया ना? नहीं, वो सच में एक ड्रग एडिक्ट है। ओ, फिर तो बच गई। तू पागल हो गया क्या? तू बताता क्यों नहीं कि उसके कहने पे तूने रिपोर्ट चेंज की है? अगर मैंने बता दिया तो शायद सच्चाई जानने के बाद उसे बहुत बुरा लगेगा। अच्छी लड़की है, खुश रहने दो उसे। तू उस रिपोर्ट में ये लिख सकता था कि वो बेकार है, नकारा है, बेरोजगार है। ड्रग एडिक्ट क्यों लिख दिया तूने? ए, आजकल हर दूसरा लड़का शराब और सिगरेट पीता है, इतने से उसके घर वाले मना नहीं करते। जो किया सही किया मूर्ति, अब मेरा दिमाग खराब मत कर। वो डॉक्टर सुब्रमण्यम के केस का क्या हुआ? मेरे सामने एक्टिंग मत कर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू अंदर से टूटा हुआ। मालिक ने यहीं पर आग लगाने के लिए कहा है। ए, जल्दी कर, जल्दी कर, और तू भी जल्दी आ, चला जल्दी कर, जल्दी चल चल निकल यहाँ से। भैया भैया भैया! अरे क्या हुआ, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? भैया, वकील दास के खेत में आग लग गई है। ये क्या कह रहे हो? पूरे के पूरे गन्ने के खेत में और आसपास की जमीन में आग लगा दी है। हो ना हो, ये वीरा रेड्डी के आदमियों का ही काम है। गाय भैंसों को दूर हटाओ, जल्दी करो। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? कोई जाओ, पानी डालो, जाओ बेटा, नाल की दीवार तोड़ दो, जाओ जल्दी, जाओ जल्दी से मोटर चालू करो। अरे सुनो, जाके पंप से पानी छोड़ो। ए भागो, घर क्या कर रहे हो? जल्दी घर, घर चालू, चालू घर, जल्दी करो, हटाओ हटाओ सब कुछ, जल्दी हटाओ, जल्दी करो। बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। मालिक मेरा पूरा खेत चला दिया हम लोगों ने। वीरा रेड्डी कहाँ? वीरा रेड्डी अपना नाम बचाने के लिए या तो पुलिस स्टेशन में होगा या कलेक्टर के ऑफिस में होगा। ए, गाड़ी में पेट्रोल रखा है ना? हाँ है ना भाई। जैसे ही मुझे पता चला आप यहाँ आए हैं, मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। क्या हुआ वेलू, गांव में कोई दिक्कत है क्या? चेहरा तमतमा रहा है। बच्चे लोग पटाखड़ी फोड़ रहे थे और इसका खेत जल गया। बच्चे लोगों की कंप्लेन लिखवाने के लिए आया है। सर, चंगू मंगू को अरेस्ट करो और चिल्डर रूम में डाल दो। मेरे खेत में लगी आग तो मैं बुझा चुका हूँ, लेकिन इसके राइस मिल में जो आग लगी है उसे कौन बुझाएगा? मुझे लगा इसे पता नहीं होगा, तो सोचा मैं खुद ही जाके बता देता हूँ। ए, ए, क्या बकरा है तू? मिल में एक चूहा था, मीटर बॉक्स में घुस के वायर कुतर गया और शॉर्ट सर्किट हो गया। वैसे अब तू किसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाएगा, चूहे क्या या उस मीटर बॉक्स के? मीटर बॉक्स तो आग में जल गया, उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने का कोई फायदा नहीं होगा। एक काम कर, चूहे के खिलाफ FIR करवा, 6 महीने की कड़ी सजा देना उसे। इंस्पेक्टर साहब, चूहे पे एकदम कड़ी नजर रखना, पता चला पिंजरा कुतर के भाग गया। इंस्पेक्टर साहब पूछेंगे चूहा कौन से रंग का था, कहना जले हुए खेत के रंग का था, जल्दी पकड़ में आएगा चूहा। चलता हूं मैं। अरे आग लग गई, आग लग गई, सब बर्बाद हो गया, पूरी फील जल गई, सब बर्बाद। अरे रोना बंद कर, सीढ़ी बम्बा बोला। अरे इतनी बड़ी आग लगी है, बाल्टी से थोड़ी बुझेगी, सुसु करो सब लोग। लेकिन आग में सुसु करने से इन्फेक्शन हो जाएगा। अरे टेंशन से मेरी भिंडरी घूम रही है और तुझे इन्फेक्शन की पड़ी है, जा जल्दी भर ला। अरे बुझाओ नहीं तो कूद पड़ो। भाई हमने सिर्फ उसका 20 लाख का नुकसान किया, लेकिन उसने तो 2 करोड़ का नुकसान कर दिया है। दारू और चकना लेकर आ। अभी लाए। चूहे के खिलाफ FIR लिखवा, जल्द ही पकड़ में आएगा चूहा। आप यहाँ क्यों बैठे हैं भाई? अरे भाई ट्रेन आ रही है, आप उठ जाइए। अरे मुझे क्यों बोल रहा है, ट्रेन को बोलना रुकने के लिए। अरे ये साफ नहीं है, ट्रेन है, कुचल देगी। ए, तेरे को लगता है ये ट्रेन मेरे को मार के जा सकती है? ट्रेन को नहीं मार सकते भाई, आप बात समझिए। ट्रेन नजदीक आ रही है भाई, पटरी से हट जाइए। ज्यादा किरकिर किया ना तो मैं उठ जाऊंगा और तेरे को यहाँ बिठा दूंगा, समझा? अरे भागो। जिंदगी भर साथ चलने की कस्में खाई और ट्रेन देखते ही पटरी चेंज कर ली, क्यों रे?
मेरे मैयत की नान खटाई खाने वाला था। जज्बाती हो गया था भाई। जज्बात मेरे अंदर ऊपर में। क्या चपड़ गंजू नया बोर्ड बना रहा है, जबकि तेरी शक्ल और चाय की पत्ती तो 1940 की है। ए, हिसाब की किताब मेरे, वरना चाय में मिला के कव्वे को पिला दूंगा। अरे ले, लगता है कव्वे को भी मेरी शक्ल पसंद नहीं है। अरे सुबह से मैं ही मिला क्या, जा रहे एक बाल्टी फिनाइल लेके आ धोने का। इस कौवे ने आपके ऊपर पॉटी की है, आज के बाद ये पॉटी कर नहीं पाएगा। ठंडा मेरा निशाना नहीं चूकता। अरे कव्वे से बड़ा तो पत्थर फेंका। कौवा कहाँ गया? पत्थर भी वापस नहीं आया। ये जज्बाती पुतले, मेरा पत्थर। भैया देखिए, मैंने पत्थर से कौवे का खून निकाल दिया। तो ये किसका खून है? आए, कलर की दुकान। मेरे भाई पे कलर गिराता है। कलर? आज मैं तेरे चेहरे पे रंगोली बनाएगा। अरे खून की नदियां बहाएगा क्या? अभी देखो। आपका निशाना बहुत तेज है। सर फोड़ दिया ने। अरे नारियल का लाल पानी निकल गया। तूने मेरा सर फोड़ा, अब देख मैं तेरा सर फोड़ता हूँ। बजरंग बली की जय। सब खून की होली खेल रहे हैं। खोलते हुए दूध से नलाता हूँ तुझे। फरियाद बरबिन तब्बर क्यों खोल रहे हैं हमारी कब्र? बच गया। अरे मैं बच गया, लेकिन पूरा समाज जल गया। सब जल गए, सब जल गए। अरे गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। दुकान जल रही है, पानी डाल। जल्दी इसे गैलन रखा। गैलन ठीक है, अभी बुझाता हूँ। अरे नकली मूछ या नहीं? अरे डाला। अरे कौन से देश का पानी है जिसे आग लग रही है? अरे घास लेट था वो। घास लेट? पहले बोलना चाहिए था ना। अरे भागो भागो, तेरी कीर्ति बेच के पैसा वसूलूंगा। किस्मत फूट गई। आज समझ में आया हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा। एक कौवे ने पॉटी की, उसमें दुकान जला डाली। ये तो अच्छा हुआ कौवे ने चोंच नहीं मारी, वरना पूरा गांव जल के खाक हो जाता। अरे स्वाति तो शेफ क्यों नहीं बन जाती? फिर तुझे देखकर खाना बनाना तो बहुत दूर की बात, लोग खाना खाना भी छोड़ देंगे। इसी इधर घुमा भाई। अरे स्वाति, जिस नशेड़ी लड़के का रिश्ता आया था ना, देखो पीछे ही बैठा है। राइस नूडल नहीं खाना है यार, कुछ और मंगाता है खाना। कौन? अरे वही जिसने टी शर्ट पहनी है। यही लड़का था और क्या? तूने फोटो नहीं देखी थी? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग घूम रहा है। अरे स्वाति, तू जो चाहती थी वो हो गया ना, लोड मत ले। सच जाने बिना मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? अरे तूने जो कहा वही तो किया उसने, या फिर शायद तू उसे पसंद ना हो, या तो फिर तुझसे कट रहा हो। ये लड़कों का कुछ कह नहीं सकते। जब उससे बात हुई उसने क्यों कहा वो ड्रग एडिक्ट है? शायद वो होगा इसलिए कहा हो। नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता यार, चोर नशेड़ी लड़कीबाज ये शक्ल से नहीं पहचाने जाते। एक आइडिया देती हूँ, तू भी जासूस बन जा। मेरा मजाक उड़ा रही है। देख, हो सकता है वो सच में एक ड्रग एडिक्ट हो और सच कह रहा हो। आदत छुड़वा सकते हैं? मैं छुड़वाऊंगी। सर हा? ये रही आपकी सरदर्द की दवाई। ठीक है, यहीं रख दो। सर मैं मंदिर गया था तो ये वहाँ से भभूत लाया था। ओके। इसे सर पे लगा लीजिए, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे चलता फिरता मेडिकल, इनके सर का दर्द तू है, जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। जरा ऑटोग्राफ दे दे। स्वाति, नशे की गोली और कोकेन, कैसे नालायक दोस्त हो तुम? ये ऑफिस में बैठे बैठे नशा कर रहा है और तुम रोक भी नहीं रहे हो। इंसानियत काम की चीज है कि नहीं? स्वाति तुम गलत समझ रही हो। गलती मेरी है, मैंने ही तुमसे कहा था झूठ बोलने के लिए, लेकिन तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हारी जान भी जा सकती नहीं, है। नहीं, तुम मेरी बात तो प्लीज, बस बहुत ज्ञान दे दिया तुम्हें, जो कहना था तुमने कह दिया है, अब सिर्फ मैं बोलूंगी। ओके, तुम मेरी इज्जत करते हो है कि नहीं? करता हूँ। तो चलो आओ मेरे साथ। कहाँ? सवाल जवाब बंद करो, बस चलो मेरे साथ। स्वाति कहाँ लेकर जा रही हो? मुंह बंद करके बैठे रहो। अरे ये तो रिहाब में लेकर आ गई, कहाँ फंस गया? घबराओ मत, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। ओके। और यहीं रहना। यहीं रहूंगा। सिक्योरिटी, ये नशेड़ी है, इस पर ध्यान दो। मरवाएगी। ये यहाँ से कभी भी भाग सकता है। मैं बस आ रही हूँ। सर ये तो बहुत बिगड़ा हुआ केस है। क्या हुआ है स्वाति, तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई हो? ये ठीक तो हो जाएगा ना, नशे की लत छूट जाएगी ना। तुम बैठो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। इट्स ओके,
वासु किसी भी तरह का नशा नहीं करता, और तो और जो नशा करता है उन्हें यहाँ रिहैब सेंटर में लाकर उनकी मदद करता है। वो बहुत अच्छा इंसान है। गलत फीडबैक क्यों दिया? मैंने कहा था इसलिए? नहीं। तो फिर झूठ क्यों कहा तुमने? बोलो ना, मुझे शादी नहीं करनी थी इसलिए, या फिर मैं तुम्हें पसंद नहीं थी और मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे इसलिए? स्वाति, तुम मुझे बहुत पसंद हो, इसीलिए तुम्हें झूठी रिपोर्ट दी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे तुम्हारा कैरेक्टर पसंद आ गया। जब तुम ऑफिस में मुझसे मिलने आई थी, मैंने तभी सोच लिया था शादी करूंगा तो तुमसे। आज की जनरेशन माँ बाप की इज्जत नहीं करती, लेकिन तुम अपने माँ बाप को जरा भी तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसी बात ने दिल जीत लिया। तुम्हारा नेचर भी मुझे अच्छा लगा। जो इंसान अपने जीवन साथी को हमेशा खुश रख सकता है, वही असली मर्द होता है। तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए झूठ कह दिया। देखो, काम खत्म होते ही तुम वहां से निकल जाओ। सुबह सुबह कहां जा रहे हो? उस वीरा रेड्डी ने हमारे खिलाफ एक फर्जी केस दर्ज किया, उसी के लिए जा रहा हूँ चेन्नई हाई कोर्ट। उसे निपटा के आ जाऊंगा। उसके हाथ में फैक्ट्री नहीं जानी चाहिए, वरना तुम्हारे पिता की मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा दादी, चलता। चलो देर हो रही है। अम्मा, ये बस हर वक्त लोगों की समस्या सुलझाने में लगा रहता है। हमारी तरफ से सुनील चाचा गवाह बनकर आएंगे, चौकन्ना रहना। मैं देख लूंगा। इसका जन्म कब हुआ पता नहीं, इसलिए इसकी कुंडली भी नहीं बनी। हमें इसका असली नाम भी नहीं पता। आखिर कुंडली बने भी तो कैसे? कुछ पता ही नहीं तो मैं कर भी क्या सकती हूँ? अरे वाह, खड़े होने की जगह मिल गई। तेरे गांव की बस है क्या जो रुमाल डाल के सीट बुक करेगा? अंदर बैठा है, अंदर घुसेगा। अरे इंसानों के लिए तुझे क्यों जाना है? चेन्नई में मेरी गर्लफ्रेंड है। तेरे को क्या लगता है गाड़ी में जितने बैठे हैं डेट पर जा रहे हैं? चल निकल। आया बड़ा, जिंदगी में चैन नहीं है, चेन्नई। कोई बात नहीं, जाओ लौट के तो यहीं आओगे ना, यहीं दूल्हा बनाऊंगा तुमको। हेलो, यहाँ क्यों खड़े हो? अपना नंबर आने ही वाला है। मैं आ जाऊंगा। अरे क्या शौचालय की लाइन में खड़े हैं जो नंबर आएगा? नकली मूछ, तू बीच में मत बोल। तुम लोग यहाँ आए डिंडू गर्ल से कार में आए, कार में किसी भी तरह का हथियार रखने की अनुमति सरकार ने नहीं दी। अगर तुम्हें वीरा रेड्डी के आदमियों ने घेर लिया और बड़े बड़े हथियारों से हमला कर दिया, तुम तो गए बारह के भाव में। ये काला कोट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तू सामने वाली पार्टी से मिला हुआ है? पहले मुझे जवाब दो। तुझे जवाब देता हूँ, आजा। ये सब क्या है? कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए और पेट्रोल कार के लिए? ये राख तो पुलिस वाले को देंगे। अगर फड्डा हुआ तो ये बोतल खाली करके इसमें पेट्रोल भर के धोती की कोनी फाड़ के ऐसी वाट लगाऊंगा ना, तो सामने वाला रॉकेट बन के आसमान में फटेगा। ए लारे, ये क्या है? टॉर्च लाइट। बच्चे को भी पता ये टॉर्च लाइट है, लेकिन इसमें से निकलती है गुप्ती। गुप्पू क्या भाई, मैंने सारा कोई ढील नहीं पड़ना चाहिए, आप चिंता मत करो। थैंक्स अ लॉट। ओके, अरे उसे देख तो है? ये कौन है? एकदम शेम टू शेम। ये लीजिए माँ जी। ये लीजिए, ये मेरे पोते की उंगलियों के निशान। ये किस लिए? ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, पूरे हिंदुस्तान में इनसे कोई नहीं। हाथ के निशान से ही कुंडली बना देते हैं ये। क्या हुआ, कुछ बोलिए। माँ जी, लड़के के पास बहुत ही दौलत होगी, शोहरत होगी, अच्छी सेहत होगी और एक खुशहाल जिंदगी भी। लेकिन लेकिन क्या? अब वो समय आ गया है कि वो इस घर को छोड़ के किसी दूसरे घर में जाएगा, और इस बात के लिए अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। भैया भैया रुको ना, हमें ये खाने को दो ना, हम बहुत भूखे हैं भैया। भैया देखो ना, कुछ खाने को दे दो। कैसे माँ बाप है, अपने बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं? ऐसा नहीं है लक्ष्मी, कुछ नीच बच्चों को अगवा करते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं, ये उनकी कमाई का जरिया है। क्या हुआ लक्ष्मी? बिल्कुल हमारी तरह इनके माँ बाप भी अपने बच्चों को ढूंढ रहे होंगे। संभालो अपने आप को। अरे वो देख, ठीक है, वो गाड़ी में जो माँ जी बैठी, पता नहीं किस लिए रो रही है। मेरे को ऐसा लगता है अपने बच्चे के बारे में सोच के परेशान हो रही है। तुम्हें अपने बेटे को देखना था ना? देखो वो रहा।
वासु, माँ कहाँ गया था तू? अरे कोर्ट गया था। ये तो वही है जिसे कोर्ट में देखा था। चल आजा साथ में खाना खाते हैं। नहीं माँ, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है, मैं होटल में ही खा लूंगा। ये उसके माँ बाप लग रहे हैं ना। हाँ। कौन से होटल में जा रहे हो? सर्वानंद भवन में। ए, सर्वानंद भवन ले चल। अरे जिधर भी जाना है जा, गाँव आएगा तो मुझे उठा देना। ठीक है हम आ रहे हैं। ठीक है आ जाइए। सर किसे ढूंढ रहे हैं आप? मेरे कुछ रिश्तेदार खाना खाने आए हैं पर वो नजर नहीं आ रहे। सर मैलापुर में भी एक ब्रांच है, एक बार आप वहाँ देख लीजिए। आप क्या लेंगे मैम? एक मिनट मैडम। सर ये रही आपकी चाबी, आपकी माँ ने आपको देने के लिए कहा। मेरी माँ ने? अरे आप लोग अभी तो बैठ कर यहाँ खाना खा रहे थे। अरे दादी माँ, दादी क्यों चिल्ला रहा है? आज मैंने एक लड़का देखा जो मेरी तरह दिखता है, हूबहू मेरी तरह। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, उसके परिवार को भी देखा। वैसे हमारे कोई रिश्तेदार चेन्नई में रहते हैं क्या? पता नहीं क्यों लगा कि वो अपने ही लोग हैं दादी माँ। वेल उन्हें 1.5 लाख रुपए मंगाए थे, नहीं दूंगा तो जान ले लेगा मेरी। ए बल्ले, मेरा जो नुकसान किया ईमानदारी से उसके पैसे दे दे। रे मैंने तेरा कौन सा नुकसान किया? मेरी दुकान जलाई उसके पैसे पूरे 50,000। अरे बासी मुके, तूने ही बोला था आग बुझाने के लिए तो मैं आग बुझा रहा था। तो क्या घासलेट से बुझाएगा तू? तो घासलेट और पानी एक साथ कौन रखता है? यहाँ भी डीजल और पेट्रोल एक ही जगह रखते हैं। तेरी ऐसी की तैसी, पानी की फेंकी हुई बोतल ज्यादा ही बोल रहा है तू। अभी बेइज्जती से यहाँ से चला जा, वरना इस बार घासलेट से नहीं पेट्रोल से जलाऊंगा तेरे को। तू मुझे जलाएगा? जला के भस्म कर दूंगा। जला के भस्म कर, चिल्लर रूम में जाके चिल्लर देके तेरे नाम की सुपारी दूंगा। तेरे नाम की सुपारी देगा? पान भी खिलाऊंगा कथा लगा के। ये इंटरनेट ने बर्बाद कर रखा है, जो देखो वो वीडियो बनाता है। और क्या हथकंडे अपनाएगा? हेलो कैमरे वाले भाई, जरा क्लोजअप लो ना। कौन से पिक्चर के लिए ऑडिशन ले रहे हो? इस गांव का सबसे फोकटिया मैं ही हूं जी। नया नया धंधा चालू किया है जी। कैसा नया धंधा? हाँ, जितने भी काले कांड होते हैं ना, सब कुछ रिकॉर्ड करके नेट पे डाल देता हूँ और ये पुलिस को भी देता हूँ। उधर पुलिस से पैसा और इधर नेट से पैसा। मेरा वीडियो बना के पैसा कमाएगा? हाँ जी। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया जो पैसा कमाएगा? ओ जी आप इनको मारने की धमकी दे रहे थे ना। लेकिन अभी तक मारा कहाँ है? नहीं मारा तो क्या हुआ, किसी फोकटिया से मरवा कर सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर और ये वीडियो पुलिस को दे दूंगा। भाई मांडवली करना है। 1 लाख रुपए देकर तुम खुद को बचा सकते हो, मैं तुम्हें ये देकर चला जाऊंगा। ए फोकटिया भाई, मेरे भी 50 दिला देना, 10 तू रख ले। 15,000 दोगे? इसके पैसे वापस करो। मैं डरपोक आदमी हूँ, मुझे ब्लैकमेल मत करो। कोई बात नहीं, पुलिस संभाल लेगी। अरे यही अपनी दोस्ती, यही अपना प्यार, मेरे दो तेरे चार, ये हिसाब के लिए। अरे शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो ढंग की किया कर। चलो चाचू मेरे पैसे निकालो। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ये मोबाइल क्या डेंजर चीज है, एक वीडियो से इज्जत नीलाम। स्वाति को जब पहली बार टीवी पर देखा तभी हमें वो पसंद आ गई थी, लेकिन जब आपने हमारा रिश्ता ठुकराया तो हमें बहुत बुरा लगा। हर अच्छा काम वक्त का मोहताज होता है। याद है तुम तो राजमणि अंकल की कॉफी में जहर मिलाने वाली थी। जी वासु और सुआती के नामों का जो उलझा पजल था उसको मैंने सॉल्व कर लिया है। क्या मतलब टी वासु और सुआती? वासु के पिताजी हैं त्यागराज, हाँ? इसीलिए टी वासु, हाँ? और इसको उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? सुआती, हाँ? अच्छा वैसे ये सगाई वगैरह तो ठीक है, लेकिन शादी अभी नहीं करेंगे। क्या बोल रहे? ये क्या कह रहे हो बेटा? स्वाति के भी कुछ सपने हैं माँ, जिस दिन वो एक फेमस रिपोर्टर बनके अपने सपने पूरे करेगी हमारी शादी उसी दिन होगी। एक नंबर। थैंक गॉड, मुझे लगा नया पजल दे देगा। ये क्या किया तुमने? मुझे तो अभी ही शादी करनी थी, तुमने तो 1 साल के लिए बात टाल दी। ए? और तुम्हारे उस सपने का क्या? तुम तो कह रहे थे शादी के बाद भी सपना पूरा कर सकते हो। हाँ? अरे लेकिन तुम्हें शादी बच्चा झमेला ये सब नहीं चाहिए था? वो तो पहले की बात। अच्छा लेकिन अभी आ? मुझे फौरन शादी करनी है। छोरी तू बावली हो गई है, तारा कुछ नहीं हो सकता। तुम तो मेरे गांव वालों की तरह बात कर रहे हो। हाँ मेरा एक दोस्त भी उसी गांव का। वैसे मैं अपने गांव जा रही हूँ। तुम्हारे गांव? किस लिए? अपने गांव पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। मदुरई राज्य में तिरुमंगल तालुका और अलमपत्ती गाँव के रहने वाले टी वासुदेवन श्री त्यागराजन जी के इकलौते सुपुत्र। सुनिए जी, ये तो कह रहे हैं हमारा एक ही बेटा है, छोटे बेटे का जिक्र भी नहीं किया। उन्हें लगता है हमारा सिर्फ एक ही बेटा है, कैसे बताएं कि दूसरा खो गया है। ऐसी आशा करते हैं हम। पता नहीं वो कहाँ होगा, अत्यंत शुभ है। कैसा होगा ये विवाह? शुभ रहेगा। फिक्र मत करो, वो जहाँ भी हो ठीक होगा। ए मुका, उस दिन वेलू के साथ अदालत में कौन कौन गया था? भाई वो ताड़ के झाड़ के पास रहता है ना सुनील, वो चिंगारी अब मुझसे उलझेगी। तो बस आग लगा दीजिए।
ताड़ के गोले में आग लगा दो। अरे मालिक, पेड़ पर आग कैसे लगाएंगे? फॉस्फरस को गोबर में छिड़को और उसे ताड़ के झाड़ पर रख दो। सूरज की तपिश से उसमें आग लग जाएगी। एक बात बता, अपने भाई साइंटिस्ट हैं क्या? अपने भाई क्रिएशन में जीरो पर है और डिस्ट्रक्शन में टॉप पर है। मुंशी जी भाई, फॉस्फरस की जगह अगर तूने खुजली का पाउडर डाला ना तो वही रोलिंग। हेलो दोस्तों, आज हम हैं डिंडुगल जिले के सोकमपट्टी गांव में। देखा जाए तो ये गांव कई सारी चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ के गन्ने मशहूर हैं। गन्ने दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला वाला, अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ, हड़कंप क्यों मचा है? जाओ जाके उनकी मदद, जाके लोगों को हटाओ। जाओ जल्दी करो। क्या मतलब किसी ने आग लगा दी? और ये वीरा रेड्डी कौन है? बहुत नेक आदमी है, अगर कोई खिलाफ जाए तो उसे तड़पाता नहीं है, सीधा जान से मारता है। एक आदमी ने उसके कंधे पे हाथ रखा, बाद में सबने उसको कंधा दिया। जानवर है क्या, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता? वेलू और उसके खानदान वाले ही उसका सामना करते हैं। भाई मैंने उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दी, दोस्तों मेरा घर जला दिया। मुझे वेलू से मिलना है। वेलू वहाँ का मसला हल करने गया है, थोड़ा रुको, वापस आएगा। देखो वेलू, अब हमें भी मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हम लोग है ना? नहीं चाचा, इस घर के बदले हम भी घर चलाएंगे तो मसला हल नहीं होगा। जिसने आग लगाई है उसके हाथ काट देते, दोबारा करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैम साहब, वो देखो गाड़ी में वेलू ही है। मनोहर जल्दी शूट करो, ज़ूम करो। ये तो राम और श्याम, सीता गीता किशन कन्हैया हो गया। शॉकिंग है ना? शॉकिंग से भी ज्यादा है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मेरी माँ जो दुआ करती थी वो सच हो गई है। हो सकता है वो तुम्हारा बड़ा भाई हो, दोनों एकदम एक जैसे दिखते हो। अगर मुझे ट्रिम कर लो और दाढ़ी हटा दो तो एकदम सेम टू सेम। तू अपने माँ और बाबूजी को उसके बारे में बता दे, सुनकर खुश होंगे। अगर माँ को बता दिया तो दिन रात यही सोचती रहेगी, और हो सकता है कि वो मेरा भाई ना हो। पहले मैं वहाँ जाकर देखता हूँ कि वो कौन है। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं स्वाति, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है और वो किसी बड़े परिवार से है। हम दोनों साथ में जाएंगे तो वो लोग कंफ्यूज होंगे। बेहतर यही होगा कि मैं अकेले जाऊँ। हमारे क्राइम डिपार्टमेंट से 10 लोग तैयार रखना, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो उन्हें भेज देना। ओके। साबुन से निकलता झाग है बल्ली भाई, आग है। चादर के अंदर कादर भाई तो नहीं है? कहीं बिरयानी तो नहीं बना रहे? खुशबू भी नहीं आ रही है। तो चादर के पीछे कौन है ये हटा के देखना पड़ेगा। खुल जा सिम सिम, ये मम्मी है। क्यों रे, तेरे को कोई काम धंधा है कि नहीं, क्यों यहाँ वहाँ घुसता रहता है? ओ, काम मेरे को नहीं है कि आपको नहीं है, ये आप क्या कर रहे हैं? अबे मैं कुछ भी करूँ तू होता कौन है? नालायक कहीं का, मैं भाप ले रहा था। भाप लेनी है तो स्मशान में चीता जल्दी है, वहाँ से लो ना, यहाँ क्यों ले रहे हो? मुझसे ऐसे बात करेगा? ये ले। मेरे सामने आवाज ऊंची करके बात कर रहा है? मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी। जब तक ये सच नहीं बोले इन्हें मारते रहो, हड्डिया तोड़ दो इनकी। क्या बात है भैया, चमक रहे हो? ये थोड़ा चमकता हुआ लग रहा है क्या? अगर मैं डायरेक्टर होता तो आपको फिल्म में कॉमेडियन ले लेता। मॉर्निंग मॉर्निंग में मजाक नहीं करते, बहुत ही जरूरी काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, इमली के बीज खरीद के वापस आ रहा हूँ, समझा क्या? चल बीज से बच के रहना। क्या बोला? अपना ख्याल रखना भैया। तेरे ख्याल में वो फीलिंग नहीं आ रही? मैं इमली के बीज की बात कर रहा हूँ। इमली के बीज की फिक्र है? ये ले, ये ले, ये ले। तो अब हो गया ना तेरा मुंह खट्टा? ज्यादा होशियारी करेगा ना तो खिलाड़ियों के बीच छोड़ दूंगा, मस्त फुटबॉल बना के खेलेंगे। तेरे को बाल्टी में डुबा के मारूंगा। देख क्या रहा है, काम कर अपना। बताता हूँ मालिक, वो लोग डिंडुगल में लॉज में रुके हुए हैं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। बेलो, अकेले मत जा। घबराइए मत, मैं संभाल लूंगा। यहाँ रहने के लिए कोई लॉज वगैरह है? आगे जाके लेफ्ट लीजिए, ब्रिज के पास में ही। वहाँ पे भाई साहब, यहाँ पर लॉज कहाँ है? सीधा जाइए। वेलू, वो दोनों इसी लॉज में रुके हैं, पर इस वक्त रूम में नहीं है। उनके बगल वाला कमरा बुक करो।
भाई मैंने पता लगाया है आपके गांव जाने वाली बस 11 बजे की है। हाँ चाचा, हम डिंडुगल पहुंच गए, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, काम हो जाएगा। ये लीजिए, मैं शाम तक आ जाऊंगा। ओके सर। हर कोई हमारे बारे में बात कर रहा है। ये तो वेलू है, ये यहाँ हमारी तलाश में आया है। ये मुझसे डर के भाग क्यों रहे? भाई हाँ? अगर आपकी ये बात छूट गई तो अगले 2:30 बजे की है। हमारे घर चलाओगे? भाई खबर देनी थी। जल्दी बक, वेलू ने हमारे आदमियों के हाथ काट दिए। इसकी तो देख जरा, ये अपने वेलू की तरह ही दिख रहा है ना। हाँ भाई, दाढ़ी बढ़ गई है इसलिए पहचान में नहीं आ रहा है। अगर वेलू बस से जा रहा है तो जरूर कोई बड़ा मसला होगा। सच बोल रहा है तू? हाँ भाई, वो बस से अपने गांव की तरफ ही आ रहा है। अगर वेलू बस से आ रहा है तो जरूर उसके दिमाग में कोई तिकड़मबाजी चल रही है। शेर हमारा शिकार करे उससे पहले ही उसका शिकार कर दो। जाओ खत्म कर दो उसे। बदरक, अगर आगे बढ़ा तो बस को जला डालूंगा। चला अंदर, चला दौड़ दौड़ उसको। इसी बस में ये सबका चेहरा पट्टी कर। चल चल छोड़ उसे, जल्दी ढूंढ के निकालो उसे। वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, भाग जाओ यहाँ से। उतरो, सब लोग उतर जाओ जल्दी। उसको काटने वाले थे उतने में बस लेके भाग निकला। बस के साथ उसे भी तोड़ डालो। कर लिया। तीन हाथ नाका के आगे तुम्हें एक ब्रिज मिलेगा, उस ब्रिज को बम से उड़ा दो। Yeah!
रुक जा। चलो निकले यहां से। कौन हो तुम? वासु, मैं वेलू से मिलने आया। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन हम कैसे मान ले कि वेल तुम्हारा बड़ा भाई है? वेल हमारा वारिस है, वो मेरा पोता है। हाँ दादी, जरा आप ही सोचिए, अपना काम करो। हमारी शक्ल हूबहू मिलती है, वो जरूर मेरा बड़ा भाई होगा। बार बार एक ही बात मत दोहराओ, समझे? इसे निकालो यहाँ से। सुन लिया, चल जा। तुझे वीरा रेड्डी के आदमियों से बचाना ही नहीं चाहिए था, आखिर क्यों आया है यहाँ? दादी, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे वेलू की कुंडली दिखा सकती हैं क्या? तुझे कुंडली क्यों जाननी है? क्या करेगा कुंडली जान के? बस बहुत हुआ, ये सब बातें मत करो। अरे तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं? ठीक है, कम से कम उसका जन्मदिन तो बता दीजिए। ए, अपनी खैर चाहता तो यहाँ से चला जा। गुस्सा मत कीजिए, देखिए मेरा जन्मदिन मेरे लाइसेंस पर लिखा है, मुझे बस वेलू का जन्मदिन बताइए। ऐसे नहीं मानने वाला है। रुक जाओ, रुक जाओ। वेलू का जन्म 25 मई को हुआ था, अब जाओ। सुन लिया ना क्या कहा इन्होंने? चल निकल, निकलना यहाँ से। 25 मई, माँ ने कहा था मेरा भाई 24 मई की रात को गायब हुआ था। आप लोगों को वो उसके अगले दिन मिला होगा। आप उसके जन्म की तारीख इसीलिए नहीं जानते, वो जिस दिन आपको मिला उसी को आपने उसका जन्मदिन मान लिया। वेलू मेरा भाई है। मुझे वेलू हमारा बेटा नहीं है, हमारा बेटा नहीं है। बात को समझो, वेलू इस घर का वारिस है। तुम उसे यहाँ से कैसे ले जा सकते हो? हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो। तुम यहाँ से चले जाओ यहाँ से। मेरी माँ पिछले 27 सालों से अपने बेटे की राह देख रही है, ऐसा एक भगवान नहीं है जिससे प्रार्थना न की हो। एक बार मेरी माँ के बारे में भी सोचिए ना दादी माँ, प्लीज। पूरे 27 साल मैंने उसे अपने आंचल के साए में पाला है, अब कैसे लौटा दूं उसे? उसे कैसे बता दूं कि वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है? उसे कैसे कहूं यहाँ से चला जाए? तुम मेरी जगह होते तो कहते, ऐसे कहते यहाँ से चला जाए। हाँ जो वेलू भैया की गाड़ी आ रही है। क्या वेलू आ गया? आंसू पोछो, चलो जाओ यहाँ से। हाँ जो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अब तो सब कुछ जान चुके तू, हमारी जिंदगी तबाह करने पर क्यों तुला हुआ है? जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा, वेलू से मिले बिना नहीं जाऊंगा। चला जाए यहाँ से, नहीं तो काट डालूंगा तुझे। ऐसा मत कर, चल पीछे ले, पीछे ले। ए, चल गाड़ी बंद कर, कोई गाड़ी बाहर नहीं जाएगी। क्या बात है, सब ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी राह देख रहे थे। चाचा, मैंने उनके हाथ काट दिए, दो लोगों को पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर करने को कहा है, वकील भिजवा के जमानत करवाई। जब तुम इस घर में आए, मेरे बेटे बहू बहुत खुश हुए, क्योंकि वो बे औलाद थे। मैं हर पल यही दुआ करती थी कि कहीं किसी रोज तुम्हें ढूंढता हुआ कोई यहाँ तक ना आ जाए। हम चाहते थे तुम हमेशा हमारे साथ ही रहो, इसीलिए हमने पुलिस स्टेशन से कंप्लेंट भी वापस ले ली। दादी माँ, आप रो क्यों रही हैं? मैं हमेशा हमेशा आप ही का बच्चा रहूंगा। वेलू, मेरा बच्चा। बस कीजिए, बस कीजिए, रोइए मत। कहा ना मत रोइए, आपके आंसू नहीं देखे जाते। मत रोइए, मत रोइए। ए, निकल यहां से। लेकिन बस मिल लिया ना मुझसे, मिल गई ना कलेजे को ठंडक, अब जहां से आया वहीं जा। वेलू, वहां हमारी माँ। ए, वो फोटो लगी है ना,
वही थे मेरे पापा और मेरी माँ, ये मेरी दादी माँ, ये चाचा चाची, ये मेरी बहन, यही मेरा असली परिवार है। अब निकल जाओ। भाई एक बार आकर माँ से मिल तो लो। जा, वो जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने मुझे पाला है, यही मेरा परिवार है, इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। मुझे पूरा यकीन था कि एक न एक दिन मैं अपने भाई को ढूंढ निकालूंगा, लेकिन ये नहीं जानता था कि जिस दिन ढूंढ लूंगा वो मुझे ऐसे निकल जाने के लिए कहेगा। ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मुझे 2 दिन तो तुम्हारे साथ रहने तो, 2 घंटे यहाँ थे तो इतनों का दिल दुखा है, अगर 2 दिन रहे तो पता नहीं कितनों का दिल दुखाओगे। वेलू, 2 दिन नहीं, जब तक चाहे ये हमारे साथ यहाँ रह सकता है। ये क्या बोल रही हो दादी माँ? तुम चुप रहो, ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है। आओ बेटा, आओ, आ जाओ, इसे अंदर ले जाओ। जाओ बेटा, इसे कुछ खिलाओ पिलाओ। अरे सुन, तू बहुत नसीब वाला है, तेरा हाथ कटा तो भाई तुझे देखने आ रहे हैं। बहुत दर्द हो रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है भाई। हाथ कटा है तो दर्द तो देगा ही ना, कटे हुए हाथ से अपना गला दबा के मर गया होता। रेसिंग कंपटीशन था, वो बस से भाग रहा था और तुम लोग उसके पीछे भाग रहे थे ताकि ट्रॉफी मैं लूंगा। ले ट्रॉफी, ले ले ट्रॉफी। डॉक्टर साहब नमस्ते। क्या तकलीफ है? बटले की आग की जलन है, दांत खुजली के डॉक्टर। भैया जी, अपने सारे अभी नकारा निकले और वो जो मैंने 15 लड़के भाड़े पे खरीदे थे वो सारे भी नल्ले निकले और इस बार मैंने कोई कंजूसी नहीं की। ये सब छोकरे अपने ही गांव के, तूने मेरी फील्डिंग लगाई थी क्या जो तूने दूसरे गांव के छोकरे अपने गांव में बुलाए? नहीं, 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 नहीं भाई नहीं। अच्छा बता, तेरी पहचान उन लोगों के साथ कैसे हुई? तेरा गाँव कौन सा? इत्यापुरम के नजदीक। ओ नजदीक, तो नौकरी बदलना चाह रहा है? तेरे को इंक्रीमेंट चाहिए ना? भाई साहब संभाल के जाइएगा, यहाँ पर चप्पे चप्पे पे पुलिस का पहरा लगा हुआ है और वो लोग बहुत मारेंगे। पुलिस है? दुनिया की सारी आर्मी ले आओ, मुझे लाफा तक नहीं मार सकती और पुलिस आकर मुझे मारे? मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस कौन है तू? कहाँ जा रहा है? इसी गांव का हूँ। हेले में क्या है? अरे मैं शक्ल से हीरो का स्मगलर लगता हूँ लेकिन नहायत ही नेक और शरीफ आदमी हूँ। देख लो बीज है। इमली के बीज में ऐसा क्या दिख रहा है जो घूर के देख रहे हैं? गांव से आधे घंटे के लिए बाहर क्या गया? गांव में लॉकडाउन लग गया। धारा 144 लग गई है इसलिए कोई बाहर नहीं जा सकता। ध्यान रखना वासु घर से बाहर ना जाए, कहीं वीरा रेड्डी के हाथ लग गया तो मुसीबत हो जाएगी। शांति, मेरे को खत मिला है कि वेलू पे किसी ने हमला किया। आप वासु भैया की बात कर रहे हैं? क्या बोली? वासु भैया दू क्या, कहाँ है वो? अरे वासु, पिछली बार देखा था तेरी दाढ़ी थी ना, अचानक क्या हुआ जो तूने वेलू का रूप ले लिया? वेलू मैं ही हूँ। तो खाना खा रहा है वो वासु है क्या? मेरे कपड़े क्यों पहने तूने? क्योंकि मेरे कपड़े बस के साथ फट गए ना, तो क्या हुआ? तो मेरे कपड़े पहन के सबको उल्लू बनाएगा। मारिए मत, मैं 2 महीने का ही मेहमान हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ दादी माँ, मेरे दिल में इतना बड़ा छेद है ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया मुझे। अबे झूठे, दिल इतना सा होता है और छेद इतना बड़ा बता रहा है? डॉक्टर का नंबर दे, उसकी हार्ट सर्जरी करता हूँ। मेरे दिल का होल देखकर डॉक्टर साहब खुद होल में गिर गए और सीधे नीचे चले गए। तो आप मुझे डॉक्टर की बीवी का नंबर दे दीजिए, फोन करके पूछ लेती हूं आपको। वो भी नहीं दे सकता, जैसे ही डॉक्टर नीचे गिरे उनकी बीवी को सदमा लगा और वो ऊपर चली गई। जरा मुझे उस हॉस्पिटल का नंबर देना, मैं फोन करके पूछती हूँ। अरे क्या चाची, जैसे ही डॉक्टर हॉल में गिरे उसके बाद सबने वहाँ की नौकरी छोड़ दी। हॉस्पिटल में आग लग गई, सारे पेशेंट जल गए, हमारे कान में सिंग लगे हैं, हाथी उड़ने लगे हैं, मछलियाँ प्यासी हो गई हैं और तू मेरी धड़कन सुन रहा है? अच्छा बस, दिल जोर से धड़क रहा है, बहुत कमजोर दिल है, विटामिन की जरूरत है। रे, आयरन मैन को बोल रहा है कि कमजोर है? अरे 56 की छाती और 16 का डोला है और मैं भोला नहीं, आग का डोला है। मर गया। अब इसी चटनी में डुबो के खाएगा ये आदमी। जय हिंद, वंदे मातरम।
वंदे मातरम। चाचा तो सच्चे हिंदुस्तानी हैं। बड़ी चाची ने बनाई है टमाटर की केसरी चटनी, छोटी चाची ने बनाई है पुदीने की हरी चटनी, और चाचा का कुर्ता दिल की तरह सफेद। वाह 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 वाह, कितना शातिर है ये पापी। मुझे तो लगता है इस घर में सब सच्चे देश प्रेमी रहते हैं। भैया आप है ना सुपर से ऊपर हो। सुनो वेलू बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाहर का माहौल ठीक नहीं है। ऐसा मसला है दादी, मैं अभी आ जाऊंगा। अरे बल्ली भाई सुनो। है क्या हुआ यहाँ? जिसे देखो हथियार लेकर ही क्यों घूमता है? ये वीरा रेड्डी कौन है और उससे इन्हें क्या दुश्मनी है? अच्छा वो लंबी कहानी है, फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा 15 साल पहले। वेलू के दादा के गुजर जाने के बाद उसके पापा गांव की सारी समस्याओं को हल करने में जुट गए। नमस्ते, आप सबका यहाँ कैसे आना हुआ? साहब वो फैक्ट्री में हमारी पगार नहीं दे रहे और किसानों को गन्ने के पैसे तक नहीं दे रहे। मैनेजर ने कहा फैक्ट्री के मालिक से बात करो। वैसे उस मिल का मालिक कौन है? अय्यप्पा और शंकर अन्ना है उसके मालिक। ये क्या कह रहे हो, शुगर मिल तुम चला सकते हो तो हम क्यों नहीं चला सकते? चले जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल बताओ बताओ सच्चाई क्या है उसका, बताओ वरना जान से मार डालूंगा। मंत्री जी, हमें पता चला है कि इस मिल के मालिक आप हैं। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वेलू के पापा को पता चल गया कि वो मिल वीरा रेड्डी की है। वीरा रेड्डी पहले ऐसे नेता थे जो 30 साल की उम्र में एमएलए बन गए थे और वो मिल वो फर्जी कागजात पर चलाते थे। पुलिस उनको पकड़ने उनके घर चली गई। गैर कानूनी तरीके से शुगर मिल चलाने के लिए आपको अरेस्ट करने का वारंट है हमारे पास। अरे मैं मिनिस्टर है रे, सीएम मेरा जिगरी है। आपको अरेस्ट करने का वारंट सीएम साहब ने ही साइन किया। हालात बिगड़ते चले गए और वो मिल बंद करनी पड़ी। उस दौरान इलेक्शन भी आ गए। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो पार्टी ने तुम्हें टिकट दे दी। जेल जाने से बचना है तो इलेक्शन जीतना ही होगा, और अगर हार गए तो पार्टी से बाहर कर दिए जाओगे, यही तुम्हारी सजा होगी। वीरा रेड्डी ने इलेक्शन जीतने के लिए वेलू के पापा के पैर पकड़ लिए, लेकिन उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। तुम गुनहगार हो और तुम्हें सजा मिलेगी, चलो। और बाद में जो इलेक्शन हुए उसमें वीरा रेड्डी बहुत ही बुरी तरह हारे और साथ ही उसे शुगर मिल के मामले में 3 साल की जेल हुई। और सरकार ने उस शुगर मिल को फिर से शुरू कर दिया। लोगों का भला होगा। और जेल से बाहर आने के बाद वीरा रेड्डी बदले की आग में झुलस रहा था। वेलू के माता पिता एक दावत में गए थे जहाँ वीरा रेड्डी ने उनके खाने में जहर मिला दिया। बस बस अब पेट में जगह नहीं है। नमस्ते। सुनिए जी, वीरा रेड्डी खड़ा है। रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? रुक जाओ, मत मारो, मत मारो इन्हें। उसे डर था कि शायद जहर से काम पूरा नहीं होगा, इसलिए उसने खुद कोयते से उन पर वार भी किया। लेकिन वेलू के माता पिता को मारने के बाद भी उसका बदला पूरा नहीं हुआ। वो इस परिवार को और इस गांव के लोगों को परेशान करने लगा जिन्होंने उसे वोट नहीं दिया। उस दिन के बाद से घर का कोई भी सदस्य बाहर खाना नहीं खाता। घर पर भी बना हुआ खाना दादी सबसे पहले चखती है। पसंद नहीं है? अंताक्षरी चल रही है। तो कल मैं फाइनली अपने घर वापस चला जाऊंगा। आखिर मेरा यहाँ है ही कौन? वैसे ये हैं तुम्हारे मम्मी पापा, ये देखो ये हैं मेरे मम्मी पापा। तू शांत रहेगा क्या? ओके, सच सबको चुपता है। तुझे ये चाबियां कहां से मिली? वेलू, ये मेरे घर की चाबी है। माँ ने तुम्हारी याद में इसे संभाल कर रखा था। तुम्हें पता है इसमें क्या है? तुम्हारी गर्भनाल। माँ को इसके खोने का बहुत दुख हुआ। बताओ मुझे ये तुम्हारे पास कैसे आई? चुप क्यों हो वेलू, बताओ। मैंने हमारी माँ को देखा। सिर्फ माँ को ही नहीं, मैंने तुम्हें पापा को देखा। ठीक है चाचा, मैं चलता। वसंती बाय। शांति चलता।
अच्छा दादी माँ, चलता हूँ मैं। दादी माँ, मैंने कहा मैं जा, मुझे पता है आपको किस बात का डर है। कसम खाता हूँ दादी माँ, मैंने वेलू को ढूंढ लिया है, अपने भाई को ढूंढ लिया है। इसके बारे में अपने माँ बाप को नहीं बताऊंगा। बेटा, बेटा, चलता हूँ। हेलो। बोलो स्वाति। तुम वापस कब आ रहे हो? कल सुबह आऊंगा। वेलू भी साथ आ रहा है ना? मैंने फैसला किया है कि वेलू मेरा भाई नहीं। ये क्या कह रहे हो? और नहीं तो क्या कहूँ, आधी जिंदगी रोके निकाल ली ना, बाकी जिंदगी भी निकाल लेंगे। रखो फोन। निकल जा, निकल जा यहाँ से। मुझे बस स्टॉप तक तो छोड़ दो। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है मुझे। मेरी बातें चुभ रही है तुम्हें? लगता है ना अपनी माँ को धोखा दे रहे हो। मेरी खुशहाल जिंदगी उजाड़ दी है तुम। तुम खुशी से जी रहे थे पर हम पूरी जिंदगी दुखी थे, उसका क्या? 3 महीने की उम्र में मुझे कोई ले गया, मेरी गलती थी। तो गलती क्या हमारे माँ बाप की है जो 27 सालों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं? मैंने घर छोड़ा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैंने दादी माँ से वादा किया है अगर मेरे साथ चलने के लिए तैयार भी हो जाओ तो भी तुम्हें ले जाने के लिए मेरा दिल ऐसे गवारा नहीं करेगा। किसी अपने के जाने का दर्द क्या होता है, मैंने जिंदगी में बहुत करीब से देखा है। तुम्हें जिंदगी भर इन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए। मैं बस चाहता हूँ तुम माँ से मिलो, इनसे जुदा नहीं करना चाहता। क्या कहना चाहते हो? तुम मेरे घर चले जाओ, तुम्हारी जगह मैं यहाँ रहता हूँ। तुम मम्मी पापा के साथ 10 दिन रुक जाना, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। ये कैसे होगा? मैं अपनी माँ को कैसे बताऊंगा कि मैं सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए वहाँ रहने आया हूँ? बताना ही क्यों है, उन्हें मत बताना तुम कौन हो। उनके लिए तो तुम वासु हो। मन किया तो सच बताना वरना वापस लौट आना। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा? किस्मत का खेल है। तुम चेन्नई हाई कोर्ट आए, सिग्नल पर रुके, वहाँ तुमने हम तीनों को देखा। माँ की चाबी खो गई, वो चाबी तुम्हारे हाथ लगी। मैं यहाँ जिस लॉज में रुका उस लॉज में भी तुम थे। मैं तुम्हारे दुश्मनों के पीछे भागा, तुम्हारे दुश्मन मेरे पीछे पड़े। यही किस्मत है, इसमें जो लिखा है वही होकर रहेगा। वेलू आ गए तुम? आप? मैं मूर्ति हूँ, वासु का फ्रेंड। अच्छा। दरवाजे पर क्यों खड़ा है तू? क्या हुआ तुझे? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? चाची, काम में कुछ टेंशन था इसीलिए थोड़ा सा परेशान है। छोटी मोटी परेशानियों से घबराते नहीं है, मंजिल तक पहुंचने के लिए जिंदगी कई इम्तिहान लेती है। मेरे होते हुए घबराता है, अब जल्दी से जाओ और जाकर फ्रेश हो जा। क्यों रे मूर्ति, तू भी इसके साथ गया था ना? नहीं, हमारे साथ 36 और लोग गए थे बस में एक साथ। तुमने ध्यान दिया? इसका बर्ताव आज कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है। आ जा बेटी। वासु घर में है ना? हाँ है ना, जाके मिल लो। हम लोग पिछले 2 दिन से तुम्हारा वेट कर रहे थे। ये स्वाति है, ये वासु की मंगेतर है। असल में सबसे पहले तुम्हें गांव में मैंने ही देखा था। सच में दोनों भाई एक जैसे ही दिखते हैं। जब देखो तब पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता है, पता नहीं किस किस की नजर लगती होगी। आज तेरी नजर उतारूंगी, चल उठ के खड़ा हो जा। हुक्मार, हुक्मार ना? खाना तैयार है, सब लोग जल्दी से नीचे आ जाओ। सुनो, तुम जब तक चाहो यहाँ वासु बनकर रह सकते हो, लेकिन जब जाओ तब असलियत बता देना। माँ ने पूरी जिंदगी तुम्हारी याद में निकाल दी। बल्ली, बल्ली,
ये गधे, मुझे मत मार। मैं क्यों मारूंगा, बाजार जाना है। बाजार में? आज बाजार क्यों ले जा रहा है, हमेशा तो लड़ता रहता है। चाचा ने कहा है कि बाजार जाके बैल खरीदना है। अच्छा, सुना है तुम कपड़ा उठाकर बता देते हो कौन सा बैल अच्छा है। ये कौन बोला तेरे को? अरे दीवाने, यहाँ क्यों लेकर आ रहा है? अरे ये पागल आदमी का घर है, ये कोयते से काटता है। अरे ये शाकाल से भी खतरनाक है, ये भौकाल मचाता है। तू रुक, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जब से जिंदगी में आया है जिंदगी जहन्नम बन गई है। मीरा रेड्डी, इन्हें मारने आया हूँ। अरे ज़्यादा मत मारना। भाभी आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं तो बस उससे मिलने आया हूँ। अरे यही हॉल में पड़ा है, सुबह के 7 बज गए फिर भी सोया है। चलो उठ जाओ रेड्डी भाई। रेड्डी भाई आंखें खोलिए, रेड्डी भाई उठ जाइए। क्या रेड्डी भाई, इतनी देर तक कोई सोता है क्या? अबे अंदर कैसे आया तू? मैं यहाँ आपसे लड़ने बिल्कुल नहीं आया हूँ। देखिए, हम दोनों की लड़ाई की वजह से हमारे गांव के लोगों का कितना नुकसान हो रहा है। कर्फ्यू लगा दिया है, दिहाड़ी के मजदूर, किसान, मिल के कर्मचारी सब घर पर बैठकर सिर्फ बीड़ी फूंक रहे हैं, इससे किसका भला होगा? रेड्डी भाई मैंने फैसला कर लिया है। कोयता लेके, कोयता कोयता कोयता। चंगू मंगू कहाँ है? यहाँ कोई नहीं है मालकिन। अगर चाहूँ तो तेरा गला यहीं काट सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन तुझे मारने नहीं आया हूँ। मेरे पापा ने तुझे जेल भिजवाया था क्योंकि तूने गलत काम किया था, लेकिन तूने मेरे माता पिता को जहर देकर मार दिया। ए! अच्छा खासा नेतागिरी करा था तेरे बाप ने, मुझे जमीन पर पटक दिया, और तो और वो शुगर मिल भी मुझसे छीन ली और छीन कर गरीबों में बांट दिया। ऊपर से 3 साल मुझसे जेल में पत्थर तोड़वाए, वो सब भूल जाऊं मैं? ठीक है, मैं मानता हूँ गलती हमारी भी थी। पैर पकड़ के माफी मांग लूँ, यहाँ घर में मांगू, बाहर सड़क पर, या पूरे गांव के सामने, मैं माफी मांग लूंगा। वैसे भी अपने बड़ों से माफी मांगने में कोई शर्म नहीं है। जब तेरे पूरे गांव को जला के राख कर दूंगा तब मेरी प्यास बुझेगी। भाभी देखा आपने, यही बात का पतंगड़ बना रहे। माफी मांगने आया इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर हो गया। अब आज के बाद आपके पति को कुछ हुआ तो मेरे परिवार को मत कोसिएगा। देवी जैसी औरत का श्राप नहीं चाहिए। आशीर्वाद दीजिए भाभी। खुश रहो, दूर रहो। चलता हूँ, हो सके तो इन्हें समझा दीजिए। सर्किट, तू उसको दुआएं दे रही है? अरे जिसने मुझे जेल में पत्थर तोड़वाए, तुझे बाहर कोयता लाने के लिए बोला था ना, लेकिन तू यहाँ खड़ी रहकर उसके डायलॉग सुनने जा रही थी। भाग बल्ली भाग, वरना ओए डरपोक कहाँ भाग रहा है? अरे तू जिंदा वापस कैसे आ गया? वो अपना सीक्रेट है। अरे तेरे भाई ने तुझे मस्त ट्रेनिंग दी है, तू भी मेरी तरह शाना हो गया है। उसे झप्पी देने का मन कर रहा है। तुझे वासु को झप्पी देनी है ना? तो आंख बंद कर, अब आंखें खोल। मैं ही वासु हूँ। तू वासु है? अरे क्या मजा कर रहा है, जाना। ए, वेलू को इंग्लिश आती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो अब सुन, मिस्टर बल्ली आई एम वासु। I can speak English, walk English, swim English, jump English, 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 lot of English. तो तू वासु है? हाँ। अरे पापी, तूने हमारे प्यारे वेलू को किडनैप कर लिया और भोले भाले परिवार को भी बेवकूफ बना दिया। आखिर तू चाहता क्या है, मेरी दूसरी बीवी के नाम पे जमीन है तेरे नाम कर दूं? अभी भेड़ियों के सामने तेरी पोल खोलता हूँ। और मेरा नाम बल्ली नहीं है, भालू है, भालू। ए भालू, अगर तेरे पहुंचने से पहले मैंने वहां पहुंच के तेरी पोल खोल दी तो मुझ पे यकीन नहीं करेंगे? वो तुझ पे यकीन करेंगे या वेलू पर? वेलू पर। मतलब मुझ पे यकीन करेंगे? लेकिन तू वेलू नहीं है, ये तो सिर्फ तू जानता है ना। पता है मैंने वेलू को माँ के पास क्यों भेजा? दस दिन बाद जब वेलू गांव वापस लौटेगा तब तक मैं वीरा रेड्डी को भगा दूंगा। अगर वो भाग गया इसका मतलब वो सुधर गया। आज तक जो हिंसा से नहीं हुआ उसे मैं अक्ल से मुमकिन कर दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि जब मेरा भाई यहां लौटे बस खुशी से जिए। बीवी का गुस्सा मंच पे निकालोगे? किसी मासूम इंसान को ऐसे मारते हैं क्या? मैंने क्या तुम्हारी बकरी का दूध चुराया? ये बता तू वेलू के साथ वीरा रेड्डी के घर पे क्यों नहीं गया? वेलू शक्तिमान है इसीलिए वापस आ गया, और मैं मनुष्य हूँ, जाता तो लफड़ा हो जाता है। हाथ नहीं लगाने का, मेरे पास भी 2 पैर है समझा। इतनी तेजी से भागूंगा तूफान भी पकड़ नहीं पाएगा। बड़ा मारो इसे। मारो। चाचा मैंने रेड्डी से बदला लेने की ठान ली है। हमेशा वो पहले वार करता है, हम उससे बचते हैं और फिर वार करते हैं। इस बार वार पहले हम करेंगे। बचने की कोशिश करेगा पर उससे पहले ही हम दूसरा वार करेंगे, और लगातार वार करते रहेंगे, उसे बचने का मौका नहीं देंगे। कहना क्या चाहते हो वेलू? मेरे पहले वार के बाद समझ जाएंगे। अब वीरा रेड्डी की उल्टी गिनती शुरू होती है। अरे आप लोग अंदर कैसे आ गए, क्या बात है? तेरा बेटा कहाँ है, बुलाओ उसे। अरे लेकिन आप लोग कहाँ ना, बुलाओ उसे। पर उसने किया क्या है, मुझे बताइए तो सही। मेरा भाई एक नंबर का नशेड़ी है, जुआरी है और लड़कीबाज है, तो ये उसकी अपनी मर्जी है। तेरे बेटे को ये सब लड़की वालों को बताने की क्या जरूरत थी?
वो लोग अंदर हैं बेटा। बेटा झगड़ा मत करना। वासु रहता तो इसे सिलने की कोशिश करता, तुम उधेड़ मत देना। भाई वासु आ गया। क्या रे, सारी दुनिया का खुजली तेरे को ही मिटाने का है क्या? मेरा टिप काय को दिया? सुनिए जी, आप अंदर जाके देखिए ना। तेरे चुगली करने की वजह से लड़की वालों ने रिश्ता तोड़ दिया, मेरी इज्जत पर आंच आई। पहले घर से बाहर निकला, जो भी बात करनी है ऑफिस में चलकर कहा। जासूस बनने का ज्यादा शौक चढ़े ले तो टीवी में जा। यहाँ से निकलो। तेरी तो तूने जो कांड करके मेरी इज्जत उछाली है ना, वैसे इज्जत तेरे बाप की उछालूंगा। लाश मेरे घर से उठा लेना। मुर्दा क्या है? बाप सिर्फ एक है लेकिन बेटे दो। अरे यार मैं सच कह रहा हूँ, वो बिल्कुल अलग दिखता है, कहीं वो साइको तो नहीं है? आखिर पुलिस और पॉलिटिशियंस कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो पहले मिनिस्टर था लेकिन अब उसकी पावर खत्म हो रही है। जो भी हो, वीरा रेड्डी की हर चाल पर नजर रखना, वो क्या क्या करता है, और मुझे हर चीज की डिटेल्स चाहिए। बैंक बैलेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इंश्योरेंस, हर चीज की कॉपी चाहिए। ओके, उसका घर, गाड़ी, लोन, फोन, बीवी, बच्चे, सब की इन्फॉर्मेशन निकालो। उसकी फर्जी कंपनियों का पता लगाओ। उसके गुंडे कहाँ से आते हैं, उनके परिवार कहाँ है, ये भी पता लगाओ। लेकिन किसी को तुम पे शक नहीं होना चाहिए। गांव में फैल जाओ और काम शुरू करो। ओके। अरे वेलू रुको ना, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बस यूं ही इसको शहर घुमा रहा है। तेरे को चीर के रख दूंगा। है? जानता है ये जगह किसकी है? अरे भाई वेलू यही है चेन्नई में। हा? मेरे सामने खड़ा है। ए, वेलू गांव के बाहर है, इसके चाचा लोग कहाँ भटक रहे हैं? ठेके पे बैठ के पी रहे होंगे। आज खेल खत्म। हेलो। ए वेलू कैसा है रे? मुझे खबर मिली है तू चेन्नई में मजे कर रहा है। मैं कहाँ मजे करने जा रहा हूँ पता है? तेरे घर पर। वीरा रेड्डी रो मत रे, बाप के लिए थोड़ा आंसू बचा के रख। तू मेरे घर में घुसा था ना, मैं तेरे घर में घुसूंगा, वहाँ की औरतों के बाल काटूंगा और साड़ी लाकर तुझे ही पहनाऊंगा। जल्दी पहनना है तो आ जा। गाड़ी निकालो। यहाँ से घर कितना दूर है? 22 किलोमीटर है। और वीरा रेड्डी का घर? करीब 13 किलोमीटर। ए, सबको साइड में कर। अरे ऐसे कैसे घर में चले आ रहे हो? अरे दादी हो तुम, देखिए। मेरे घर से निकल जा वरना अंजाम बुरा होगा। क्या अंजाम की बात कर रही है? मुझे साड़ी और कटे हुए बाल चाहिए। तेरी साड़ी उतार और ये साड़ी पहन ले। आज के बाद तेरे घर के मर्दों को मूछे मुंडवानी पड़ेंगी। सीधा दिल पर वार करता है ये वीरा रेड्डी, शर्म से मर जाएंगे। बकवास बंद कर। मुझे चुप कराएगी बुढ़िया? ये क्या कर रहा है? वेलू मेरे घर में घुसा था ना, अब मैं तेरे किचन के अंदर घुस गया हूँ। जीतना वीरा रेड्डी की आदत है। और मेरा जन्म तुझे हराने के लिए हुआ है। तू मेरे किचन में घुसा है ना, मैं तेरे बाथरूम के बाहर खड़ा हूँ। येड़ा बनाने के लिए सुबह से मैं ही मिला क्या तेरे को? तू चेन्नई में माउंट रोड के पास है, मुझे पता है। अगर मैं माउंट रोड पर खड़ा हूँ तो तेरी बीवी वहाँ के पब्लिक बाथरूम में नहा रही है क्या? क्या बोल रहा है बे? तुझे अपनी बीवी की आवाज सुननी है क्या? दरवाजा खोलो। अरे कौन है बाथरूम के बाहर? अरे क्या चाहिए तुम्हें? मुझे क्यों बंद किया है? दरवाजा खोलो। खोल तू दरवाजा। ए ए ए ए दरवाजा खोल तू क्या? नहीं बेलो। अब मेरी बात ध्यान से सुन, पहले मेरे घर से बाहर निकल। निकला? हाँ निकल गया। सामने के दरवाजे से निकल। अब चलते रहे और जब तक सड़क किनारे ना पहुँचे रुकना मत। जल्दी जा, जब तक मैं नहीं आता वहीं रुकना। हिला तो चीर के रख दूंगा।
ऐसे क्या घूर रहा है? तू यही सोच रहा है ना कि मैं चेन्नई से यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच गया? माउंट रोड से चेन्नई एयरपोर्ट 3 मिनट में पहुँच गया, चेन्नई एयरपोर्ट से मदुराई एयरपोर्ट 5 मिनट में फ्लाइट से पहुँच गया, मदुराई एयरपोर्ट से सीधे तेरे घर तक मैं 2 मिनट में पहुँच गया था, और अब 1 घंटे में मैं यहाँ तेरे सामने खड़ा हूँ। प्लान चौपट हो गया ना, मेरी रफ्तार से सर चकरा गया। मैं तेरे घर में घुसा तो तुझे इतना गुस्सा आया, जिनके घर जलाए उन्हें कितना गुस्सा आना चाहिए। मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? जिस दिन मैं तेरे घर में आया था, मैं तुझसे लड़ा था, तेरी बीवी से कोई बदतमीजी की, मैं दुश्मनी मिटाने के लिए आया था। ए, चाहे रामायण का रावण हो या महाभारत का दुर्योधन हो, दोनों योद्धाओं के अहंकार ने उन्हें मिटा दिया। जिस पल तूने मेरी घर की औरतों की बेइज्जती करने के बारे में सोचा, उसी पल यमराज तुझे लेने निकल गया। अब सबसे पहले तो मैं इस वीरा रेड्डी का नाम मिटा दूंगा, और अगले 7 दिनों के अंदर तुझे इस गांव से तड़ी पार करवा दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो ये वेलू अपने बाप की औलाद नहीं, समझा? क्या चाहिए था तुझे? बाल और साड़ी चाहिए थी ना, ये ले पहन ले। ये तेरी ही बीवी के नकली बाल और उसी की साड़ी है, जा जाके अपनी बीवी को इसी वक्त लौटा दे, वो अभी वही कैद है। ठू, गाड़ी निकालो। अचानक भाई ने हवेली पे क्यों बुलाया? तूने ही टिप दी थी ना, तेरा ही इंतजार हो रहा है। लगता है खुश होकर घर देंगे। अरे 2 BHK देंगे तुझे। भैया वीरा रेड्डी भैया, ये भाई की लचक क्यों बदल गई? ऐसा क्या हुआ? भैया 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 भैया, गलत टिप देता है मेरे को, वेलू के फेंके हुए टुकड़े खाने वाले। भैया क्या हुआ यहाँ इतने सारे लोग? वो मलेशिया से मेरे दादा दादी आए हैं, वो शादी में नहीं आ सकते ना, तो वासु से मिलना चाहते हैं। अरे पर मैं उनसे कैसे? तुम बस नीचे आकर एक बार मिल लो उनसे, अच्छा रहेगा। पूरे भारत में आजकल सिर्फ अंग्रेजी स्कूल का बोलबाला है, पर मलेशिया में आज भी बोर्ड पर हिंदी में नाम लिखे होते हैं। पर आप डॉक्टर पुरुषोत्तम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन मलेशिया। हम एक कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली आए हैं। हेलो मिस्टर वासुदेवन, कम ऑन, हाउ आर यू? अब फाइन। क्या बात है स्वाति, अच्छी चॉइस है, कम ऑन बैठो। ये से दीजिए। बेटा वासु, ये अंगूठी अपने हाथों से स्वाति को पहनाओ। शादी पे तो नहीं रहूंगा, सोचा मंगनी करवा के ही जाऊं। ये लो बेटे, पकड़ो, पहनाओ इसे अंगूठी। स्वाति इधर आओ। बड़ों को ना नहीं कहते, अंगूठी पहनाओ। कैसे पहनाओ माँ? अरे घबरा क्यों रहा है, सब देख रहे हैं, जल्दी से अंगूठी पहना। नहीं पहना सकता माँ। वासु क्या हो गया तुझे? मैं वासु नहीं हूँ, आपका खोया हुआ बेटा वेलू हूँ माँ। आपका खोया हुआ बेटा वेलू हूँ माँ। फैसला हो चुका है स्वाति, तो मलेशिया चल रहे हो मेरे साथ, 2 महीने वहां रहोगी तो सब भूल जाओगी, एंड नो आर्गुमेंट्स। ऊपर वाले का एहसान है बेटा। रो मत स्वाति, मैं खुश हूँ कि वेलू ने माँ को सच बता दिया। कल के कल दादाजी मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। वो तो तब ले जाएंगे जब तुम वहां रहोगी, तुम कल ही निकल के यहाँ मेरे पास आओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। क्या हुआ शांति, नींद नहीं आ रही? वेलू भैया इसे अलग ही अंदाज में पकड़ते थे, कईयों ने कोशिश की लेकिन उनके जैसा हुआ नहीं। उठाइए और पकड़ के दिखाइए। तसल्ली हो गई। हाँ।
गौर से इस खून को देखो, ये इसी घर का खून है। इस घर के साथ धोखेबाजी नहीं करेगा, मैं वासु ही हूं। सबके सब बूढ़े दिख रहे हैं, कुछ जवान नहीं है क्या यहाँ पे? स्वाति, कैसी हो तुम? भाभी तुम बहुत खूबसूरत हो, भैया और तुम्हारी जोड़ी एक नंबर लगेगी। तुम शांति हो ना? हाँ। झोल है रे बाबा। ए शांति, कम हियर। ये लंबी चोटी कौन है? मेरी दोस्त है। हाय चाचा। हाय। नहीं, नाम क्या है? स्वाति। अरे नाम पूछा, राशि क्यों बता रही हो? अरे आपके कानपुर पे हड़ताल है क्या? स्वाति बोल रही है, हमने साथ में डिंडुगल में पढ़ाई की थी, बहुत होशियार है ये। स्कूल का नाम बताओ। डिंडुगल हाई स्कूल। किधर है? डिंडुगल में। कॉमेडी कर रही हो? इसका नाम स्वाति है और ये टीवी पे आती है। यहाँ किस लिए आई हो बेटा? मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हूँ और फिलहाल इस गांव पर बनाने आई हूँ। अब शांति, तुम्हारा कोई बड़ा भाई है ना? वेलू भैया है ना, वो ऊपर है। भैया ये मेरी फ्रेंड स्वाति। हेलो। नमस्ते। ये गांव है, शहर वाले तरीके नहीं चलेंगे। लग रहा था ये पिघल जाएगा, लेकिन ये तो सख्त निकला। अब भैया हम मंदिर जा रहे हैं, क्या आप हमें छोड़ देंगे प्लीज? कपड़े देखकर लगता नहीं है मंदिर जाने आई हैं। एक काम करो, इन्हें अपनी साड़ी दे दो, यहाँ के तरीके सिखाओ। शांति, ये वासु ही है ना? हाँ, भैया भी गजब के एक्टर है। अच्छा ऐसा, अभी इसकी हिकड़ी निकालती हूँ। ये कातिल हसीना छोकरे को पिघला कर ही मानेगी। ऐसी कातिल हसीना मुझे क्यों नहीं मिलती, मैं तो पिघलने के लिए तैयार हूँ, कोई पिघला दो। स्वाति, ए स्वाति रुको ना। अच्छा ए चिकनी, जरा पलट के देख ना। सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने बोला रुक जा, एक बार पलट के देख तो ले। साड़ी में क्या ढासू लग रही है मालूम? इतनी तारीफ कर रहा हूँ फिर भी नहीं पिघल रही है। चाची अब ये बताइए आपकी फेवरेट डिश क्या है? दीदी ये टीवी पे भी आएगा ना? हाँ, साथ में रेडियो पर भी। मेरे मियाँ को तो मछली पसंद है, घर के मसालों का तो मजा ही अलग होता है। आजकल की लड़कियाँ रेडीमेड मसाले लाती हैं, उसमें कहाँ स्वाद होगा। घर के मसालों के साथ घर में उगाई हुई हरी मिर्च डालो तो मजा ही अलग होता है। बोलो यहाँ आओ ना। अरे सबको शक हो जाएगा, जरूरी बात करनी है। ए, किससे बात कर रहा था? दूर का दोस्त है। कौन सी जगह? डिंडुगल। डिंडुगल में कहाँ? सोकम पट्टी। उधर किधर? मेले के पास। कौन सी गली में? पीला बंगला। ये तो अरे अरे बाप रे, तू तो मुझे अपने ही घर का एड्रेस दे रहा है। सही पहचाना। तो बात किससे कर रहा था? ये देखो इस लड़की से। अरे भाई एक ही घर में फोन पे बात करते हो, आवाज दे के कोने में बुला लेना चाहिए ना। स्वाति एक जरूरी काम करना है, तुम्हें जाकर वीरा रेड्डी की वाइफ का इंटरव्यू लेना होगा, अपनी टीम के साथ जाना। बल्ली इसे साथ ले जाना। भाई तुझे भाईचारा निभाना है तो निभा, मेरी जान खतरे में क्यों डाल रहा है? अरे चलो ये है ना। अरे क्या ये है ना, ये बम है, वो मिसाइल है। तू फायर है रे। अरे मैं कोई फायर वायर नहीं हूँ, जब देखो तब बल्ली भाई को फायर है करके आगे भेज देते। कल वीरा रेड्डी घर पे नहीं है। अरे उसने क्या तेरे को मैसेज भेजा था? कॉल करके पूछ ले कहाँ है। हाँ कॉल करता हूँ, मैं कॉल करूँ मेरे फोन में बम फटेगा तो। चलो भी चाचू। माँ शक्ति दे। लाली पाउडर लगा रही थी, वो क्या ना पहली बार टीवी पर आ रही हूँ ना। भाभी जी नमस्ते। आज मैं आपका जो इंटरव्यू ले रही हूँ ना, वो दुनिया भर में दिखाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद मेरी तस्वीर मेरे घर वालों को दिखाई जाएगी, वो भी हार चढ़ी हुई। जो कुछ भी पूछना है जल्दी पूछो, नदी में बाढ़ आने वाली है। अच्छा तो शुरू करें। इसमें वीरा रेड्डी के बारे में सब कुछ है, उसकी 17 साल की लड़की और 14 साल का लड़का दोनों शहर के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। उसका ज्यादातर पैसा इंजीनियरिंग कॉलेज से आता है, हर साल कई एडमिशन होते हैं और स्टूडेंट्स से डोनेशन के नाम पर न जाने कितने करोड़ ऐंठता है। पिछले कुछ दिनों में जितनी भी मीटिंग्स उसने की है उसकी सारी डिटेल्स है इसमें, फोटो भी साथ में। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड लिस्ट है, देखो। हम उस पर लैंड सीलिंग का केस कर सकते हैं क्या? 100% वासु। एक और जरूरी बात, वीरा रेड्डी ने बहुत बड़ा कांड किया है लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है। उसके घर से सबूत निकालने के लिए मैंने एक तरकीब चलाई है, अगर वो सबूत मिल गया तो वीरा रेड्डी जेल की हवा खाएगा। एनीवे ये जो भी डिटेल्स हैं इनसे ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है वासु। अरे साहब देखो राशन की दुकान में भी चोरी करने लग गए ये लोग, गोलियां गायब हो गई। कितनी गोलियां गायब हैं? 20 गोलियां। सब में सरकारी मोहर लगी है ना? बिल्कुल लगी है। जल्दी डॉग स्क्वाड को बुलाओ। यस सर।
ये तो एक्स मिनिस्टर वीरा रेड्डी की राइस मिल है। अरे तुम जैसे को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वे खाके मैं तेरे को राशन छोड़ दिख रहा हूँ। 2000 के चिल्लर का झोल करूंगा, कुत्ते की वजह से मुझ पर शक करेगा? सर बात समझिए, ऊपर से ऑर्डर आया, हमें अपना काम करने दीजिए। कॉन्स्टेबल्स तलाशी लेगा, ले तो इसकी भी तलाशी लेगा। देख सर, हर तरफ देख लिया, कुछ नहीं मिला। देखिए गोनी में क्या भरा हुआ है। अरे ये गोनी तो खाली है। अरे साहब अच्छे से तलाशी तो लीजिए आप। सर ये देखिए साहब, सरकारी मोहर भी लगी है। यही है साहब, यही चोर है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। मालिक 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 मुझे माफ कर दीजिए मालिक, ये चोरी मैंने की थी मालिक। अद्भुत रिमांड लेना, अपने भाई को मात देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। राशन की गोनी अपने मिल में देखकर चौंक गया ना। ये तो शुरुआत है, पहली चाल, अभी तो बस खेल शुरू किया है। ये तो एक वार्निंग बेल है जो तेरे दिमाग में बजी है टंग से। अगर तू चाहे तो हजारों क्विंटल चावल चुरा कर लोगों में बेच सकता है, लेकिन गवर्नमेंट सील वाली गोनी से एक दाना भी चुराया ना तो तेरा बचना नामुमकिन है। देख अभी देर नहीं हुई, मैं इन सब लोगों के सामने अपनी गलती मानने को तैयार हूँ। तू जहाँ बोलेगा पैर पकड़ लूंगा, बस अपनी दुश्मनी यहीं खत्म कर दे। गले में कुत्ते का पट्टा बांध के इसी गांव में नहीं घुमाया ना तो मेरा नाम वीरा रेड्डी नहीं। इंसान को हमेशा अपना वक्त, हालात और औकात देखकर बात करनी चाहिए, और तेरा वक्त खराब चल रहा है। तुझे एक आखिरी मौका देना था, लेकिन तेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। तेरी मिल तो हो गई सील, कॉल उठा फटा होगा दूसरा बिल। भाभी जी टेंशन में होंगी, जल्दी उठा। घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी है ना। अजी सुनिए, घर में कुछ सरकारी अफसर घुसा है, कोने कोने की छानबीन कर रहे हैं। एक के बाद एक बम फटे, बम 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 बम, पुलिस के बाद आईटी वाले टम 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 टम, अगली बार कौन आएगा डम 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 टका डम 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 डम। चलो रे। तुम्हारे बिजनेस के अलावा तुम्हारे साथ तुम्हारे 3 साथी भी शामिल हैं, लेकिन उनके साथ लेन देन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं क्या गुंडा हूँ जो साथी रखूंगा? ये सब मेरे रिश्तेदार हैं। तो फिर आपके अकाउंटेंट ने उनकी हाजिरी क्यों भरी है? अरे मैं एक्स मिनिस्टर हूँ, आने जाने वाले लोगों की जानकारी रखनी पड़ती है। आपके ही विधानसभा के एक गांव में आग लगी थी जिसमें लोगों का काफी नुकसान हुआ था, और आपने करोड़ों रुपए मुआवजा दिया था। भाई ने इतना पैसा दान किया? ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ की जमीन को हड़पने के लिए इसी ने उस गाँव में आग लगाई और दान करके हीरो बन गया। आपने कैश में दिया था या चेक में? अरे मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर ये क्या है? और पिछली टैक्स रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं। रेड्डी भाई ज्यादा टॉर्चर तो नहीं कर रहे? नुकसान थोड़ा ज्यादा हुआ होगा, अभी भी वक्त है, मांडवली कर लीजिए। ओके, डिंडुगल आईटी ऑफिस में आकर सब कुछ समझा देना, सब कुछ सीज कर दो, क्लोज ऑल द लॉकर्स। मुझे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। वीरा रेड्डी के इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे कितने बच्चे पढ़ते हैं और कितने लोग नौकरी करते हैं? 15 छात्र हैं और 2 प्यून काम कर रहे हैं भाई। वेलू भैया, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमारी पढ़ाई का नुकसान होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक हफ्ते के अंदर सभी बच्चों को सरकारी कॉलेज में सीट मिल जाएगी। सर मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और ये कॉलेज वीरा रेड्डी जी का है सर। देखो हमें खबर मिली है कि यहाँ का मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को ड्रग्स सप्लाई करता है और इस तरह पैसे कमाता है। कांस्टेबल सबको पकड़ो, सबको हिरासत में लो, चलो वही बस नहीं चाहिए। ये ड्रग्स तुम्हें किसने दिए बोलो, कौन सप्लाई कर रहा है बोलो? मैनेजमेंट और प्यून सप्लाई करते हैं सर। बिल्कुल इस सर, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। ए सच बता देना, हम क्यों मुसीबत झेले? हाँ सर, सारा ड्रग्स प्रिंसिपल के ऑफिस में ही रहता है। मुझे बिल्कुल पता नहीं था सर, मैं सच कह रहा हूँ। चप्पा चप्पा छान मारो, चलो सर्च एवरीथिंग, टेबल के नीचे देखो, ड्रॉर्स में देखो। सर ये देखिए सर, ड्रग्स के पैकेट। ये सब क्या है? मुझे कुछ नहीं पता सर। ये सब आपके कैबिन में, और आपको पता नहीं? ये आपका ही कमरा है ना? इस कमरे में और भी लोग आते हैं। कौन आता है नाम बताओ? मिसेज वीरा रेड्डी आती है सर। सुनिए जी, यहाँ इतनी पुलिस आपकी धुलाई तो नहीं करेगी ना? मैडम आपको नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार करना होगा। ये कहाँ के छोकरे हैं? वो पास के ही गाँव के हैं। अब समझ गया इस कांड के पीछे। जी मैं तो कहती हूँ जाकर वेलू के पैर पकड़ लीजिए। मामला चुप, बेवकूफ, तुझे जेल जाना है क्या? अगर जाना है तो जा। अगर उसने सफेद साड़ी लाके दिया तो मेरे जीते जी पहन लेगी। हकड़ी पहना मुझे। मुझे उनको अरेस्ट करना होगा। ए, उसे अरेस्ट क्यों करेगा? ये कॉलेज मेरा है, मुझे गिरफ्तार कर। भैया जी को छोड़ दो, भैया जी को छोड़ दो। आप बात नहीं कर सकते हो, लाओ फोन मुझे दो।
वीरा रेड्डी भाऊ आयत का हिरासत में है, किसी से बात नहीं कर सकते। जरूरी बात है साहब, वो नहीं बोलेंगे चलेगा। मेरा बात सुना दो ना भैया जी को। कुछ बोलना मत। कैसा कह रेड्डी भाव? दिमाग में घुस के हलक जाम कर दिया ना। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। क्या करूँ, तुझे फोन की घंटी सुनाई नहीं देती ना, तो मैंने सोचा तेरे कॉलेज की घंटी बजा देता हूँ। तेरे अंदर जो बदला लेने का कीड़ा है ना, जेल जाकर ही दम तोड़ेगा और जेल में ही तेरा सोया हुआ जमीर जागेगा। वो अपनी पहचान लगाकर मुझे हर तरफ से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं भी वीरा रेड्डी हूँ। कल सुबह कॉलेज की घंटी बजने से पहले वेलू के परिवार में मातम छाना चाहिए। पहले जिसका दीदार हो वो किसी का दीदार ना कर सके। स्वाति तुम कब आई? डर लग रहा है वासु, तुम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। मैं चाहता हूँ मेरा भाई खुशी से जिंदगी जिए स्वाति, और उसके लिए मैं कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूँ। तुम चाहो तो घर वापस लौट जाओ। जब एक लड़की किसी को अपना लेती है ना, तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ती, जो भी वो मिलकर सामना करेंगे। अरे रे 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 रे, इमोशन में बासी बिरयानी खाई, अब लूज मोशन लग गए। अब रोकने का लोशन कहाँ से लाऊं? भाई ये तो वेलू का आदमी है, इसको उल्टा लटका के भाई के पास लेके जाते हैं, इनाम मिलेगा। हाँ, सही चलो, 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 अरे दो कौड़ी के पिंडो भावनाओं को समझो। अरे लूज मोशन में एक्शन मत मिक्स करो। अरे इस तरह पीछा क्यों कर रहे हो? आओ एक दूसरे के दिल का हाल जानते हैं। बोबड़े बोलना, लूज मोशन करने जाना है। अरे बाबरे सांप है बाजू में। सांप है? किधर है? तेरे बाजू में। ए मम्मी पापा 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 साथ भाई काटना मत, बाजू वाले गांव की नागिन का पता है मेरे पास। बल्ली बेटा हार नहीं माननी वरना मार खा। शायद इन खेतों में कहीं छुप गया होगा। एक काम करते, सारे गन्ने के खेत को जला देते, साथ में वो भी जल जाएगा। भाई खुश होके इनाम देंगे। अरे एक दारू के बोतल के लिए पूरे इंसान को जलाएगा क्या? अरे कैसे जलाएंगे, पेट्रोल और घासलेट दोनों नहीं है। अरे ये पुतला है ना यहाँ पर, इसको आग लगा और खेत में फेंक दो, काम हो गया। हाँ मस्त आइडिया है। इससे अच्छा मेरे को पकड़ लेते, दो चार लात घूसे खा लेता। अब इस अग्नि परीक्षा से कैसे बचूं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमेशा बोलता था बल्ली भाई आग है, बल्ली भाई आग है, आज आग नहीं तुझे जला डाला। गया गया। बाय भैया। हाँ बाय शांति। बाय वासु। रेड्डी के आदमी यहाँ? वासु क्या हुआ? चलो बात किया वासु। रेड्डी के आदमी आए थे, वो जरूर मेरा पीछा कर रहे हैं। अंदर चलो। जरूर ना जाएंगे। शांति। अरे भैया क्या हुआ? क्या हुआ, क्या बात है? स्वाति चलो सुन, तू पहले स्कूल जाके बच्चों को ले आ। जा, सब लोग घर पर तो है ना? क्यों, क्या हुआ वेलू? किसी अजनबी को घर पर मत आने दीजिएगा, मैं घर आ रहा हूँ। क्या हुआ वेलू, आप इस वक्त कहाँ हैं? अभी पेट्रोल पंप पर है। आपके साथ कौन है? अपने सारे लड़के अपने साथ ही है। क्या हुआ वेलू, तू इन्हें कॉलेज से वापस क्यों लेकर आया? कुछ हुआ है क्या? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। तुमने तो खामखा हमें डरा दिया। चलो बेटा खाना लग गया है। दादी कहाँ है, उन्होंने खाना खा लिया? वो तो खेत गई हैं, वही खाना खाएंगी। कौन से खेत गई हैं? सुनो रमेश जी, माँ जी तुम्हारी बेटी की शादी कब होने वाली है? अगले महीने में ही है माँ जी। कर्जा लेने की जरूरत नहीं, जितने भी पैसों की जरूरत हो मुझसे आकर ले लेना, आखिर वो मेरी भी तो बच्ची है। दादी ये क्या, कितना नमक। दादी आनी दो मुझे। दादी दादी क्यों? माजी मुझे मुझे माफ कर दीजिए माजी। माजी कोई है? दादी 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 दादी
आंखें खोलिए दादी। अरे दादी। जल्दी जल्दी कुछ करो दादी, वो क्या हो गया? हालत बहुत खराब है। अरे ये क्या हो गया? आपको अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। कुछ पता नहीं क्या हुआ। क्या क्या हुआ माँ के साथ? कुछ समझ में नहीं आया। बोलना क्या हुआ। मुझे ये खेत में बेहोश पड़ी मिली थी। कहाँ रहता है? यही घर है भाई। ये तुमने क्या किया? जिनके रहमो करम पर हम जी रहे थे उन्हीं को धोखा दिया तुमने। मालिक मुझे मार दो मालिक, मीरा रेड्डी ने मुझे लालच दिया था, मैं अन्ना हो गया था मालिक, मुझे मार दो। मां दादी मर रही है फिर भी उन्होंने सबसे पहले तुम्हारा हाल पूछा। तुम्हारे समीर ने तुम्हें एक बार भी नहीं रोका। बसु मीरा रेड्डी जेल से बाहर आ गया, हालत खराब हो गई होगी। आ गया, चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? क्या वो कोई मर गया? ये तेरी बंदूक है, तुझे क्या लगता है राजनीति करना सिर्फ तुझे आता है क्या? मैं भी कर सकता हूँ। तेरी बंदूक तेरे ही आदमी ने मुझे ला कर दी है। अगर बुरे लोग वाकई अच्छाई को खत्म कर पाते ना तो अच्छे लोग दुनिया में होते ही नहीं, लेकिन वो ऊपर बैठा है, दादी को कुछ नहीं होने देगा। मैंने तेरे कॉलेज में ड्रग्स रखवा कर तेरा कॉलेज एक दिन के लिए बंद करवा दिया, तेरी समझ में भी नहीं आया? देखता क्या है, तूने खुद जमीन हड़प कर वो कॉलेज वहाँ बनाया था। जो कह रहा है तू? 1943 में तेरे बाप ने इसी गाँव के एक जमींदार से 22 एकड़ जमीन खरीदी थी और उसके सारे कागजात मेरे पास है। उस जमीन के पास एक झील थी जो सूख गई और तेरे बाप ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया और उस पर खेती करने लगा। यहाँ के अफसरों को घूस खिलाकर अपनी पहुँच का फायदा उठाकर तूने ये कॉलेज 65 एकड़ की जमीन पर बनाया है जिसमें वो झील भी शामिल है। लेकिन तूने एक बड़ी गलती कर दी, कॉलेज तूने झील की जमीन पर बनाया और ग्राउंड अपनी जमीन पर, मतलब कॉलेज की मेन बिल्डिंग गैर कानूनी जमीन पर खड़ी है। अगर मैं ये बात एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या कलेक्टर को बता दूं ना तो सिर्फ 3 दिन के अंदर तेरा कॉलेज बंद हो जाएगा और कॉलेज की आड़ में चलने वाले तेरे सारे काले धंधे भी खत्म हो जाएंगे। मैंने पुलिस, विजिलेंस, नारकोटिक्स, इनकम टैक्स, CID सबको तेरे पीछे लगा दिया है। अब बस एक डिपार्टमेंट बचा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो लोग भी कल आ जाएंगे। बकरियां मारना गुनाह नहीं है लेकिन जानवर का शिकार करना गैर कानूनी है और तूने कई जानवर मारे। hey, किसने कहा तुझे? hey, सबको पता है, दीवार पर लगी तस्वीरें और तेरी बीवी के इंटरव्यू ने पोल खोल दी, दिखाई से। अच्छा ये बताइए, आपकी दीवार पर इतने सारे जानवरों की सींग क्यों है और वो आदमी कौन है जो बंदूक लिए खड़ा है? ये सब किसने किया है? ये सब मेरे पति ने किया है, वो ना एक नंबर के शिकारी हैं। शेर की गुफा में घुसकर शिकार करते हैं, सुबह उठकर सबसे पहले शिकार करते हैं, उसके बाद ना ब्रश करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर से शिकार पे निकल जाते हैं। पता है छोटा हो या बड़ा हर जानवर का शिकार करते हैं। पिछली बार ना उन्होंने एक हाथी को मार गिराया था, मेरे वो ना मिसाल और मिसाइल दोनों हैं। अगर ये इंटरव्यू टीवी पर आया तो तू और तेरा पूरा परिवार जेल जाएगा। तू हर डिपार्टमेंट को जवाब देते देते परेशान हो जाएगा, भूल जाएगा कौन से डिपार्टमेंट से सच कहना है और किससे झूठ, ये तक भूल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट से कौन सा सच कहा था और कौन से डिपार्टमेंट से कौन सा झूठ कहा था। वीरा रेड्डी ना अपनी बीवी पर भरोसा कर पाएगा ना अपने गुंडों पर, तेरी सोच जहर बनती जाएगी और तू खुदकुशी कर लेगा। अगर नहीं कर पाया तो किसी अपने का खून करेगा, फिर खून का इल्जाम लगेगा और तू जेल में सड़ेगा, लेकिन जेल तो तू जाएगा। मुझे एक दिन का वक्त दे। किस लिए? सुधरने के लिए। सुधरने के लिए कोई एक दिन की मोहलत नहीं मांगता। क्या बात है बल्ली? वेलू एक जरूरी बात है, वीरा रेड्डी के आदमी ने दादी को जहर दे दिया, उनकी हालत सच में बहुत नाजुक है। तू जल्दी यहाँ आ जा भाई। ये तू किससे बात कर रहा था? बता ना किससे बात कर रहा था तू? वेलू से बात कर रहा था। झूठ बोल रहा है? वेलू तो यहीं पे है, बोल किससे बात कर रहा था? सच बता, बता किससे बात कर रहा था? मैं सच बताता हूँ। सच बता। घर पर जो है वो वासु है। वासु? ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सारी गलती इस लड़की की है। तो चल निकल यहाँ से। ए लड़की, अब निकल यहाँ से।
तू वेलू को हमसे अलग करना चाहता है? तू ही सारे फसाद की जड़ है। अरे तू पांच दिन के साथ निकला, तुझे यहाँ रहने नहीं देना चाहिए था। देख क्या रहे हो, सबको निकालो यहाँ से, दोबारा यहाँ दिखना नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से, हमने वेलू के लिए क्या नहीं किया और तूने सब बर्बाद कर दिया। अपनी ज़बान संभाल कर बात कीजिए। यहाँ अगर हमारे हंसते खेलते परिवार को बिखेर दिया तेरी तो बहुत हो गया। आपको कोई हक नहीं इनको हाथ लगाने का। तुम चुप हो जाओ वासु, जब देखो ये वेलू 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 करते रहते हैं, पर तुम लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। किसी ने भी उसके हाथ से हथियार छुड़ाया है? अपनी जुबान पर काबू रखो। वासु ने इतना बड़ा खतरा इसलिए मोल लिया है ताकि उसके भाई के हाथ से हथियार छूट सके, और तुम लोग इसे ही बाहर निकाल रहे हो। इसने आज तक वेलू को तुम लोगों से अलग करने की कोशिश नहीं की। आप लोग उसे अपना मानते तो उसके हाथ से हथियार छुड़ा चुके होते। तुम सबने सिर्फ अपने मतलब के लिए उसे रखा है। अगर वो तुम्हारा अपना खून होता तो उसे रोक देते, लेकिन तुमने तो उसे सड़क से उठाया था ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें किसने दिया यह हक? निकल जाओ यहाँ से। जस्ट गो। स्वाति, रो क्यों रही हो? मैंने डांटा इसलिए। तो फिर क्या तुम्हारे लिए लड़ना मेरा हक नहीं है? ए, मेरा वो मतलब नहीं था। माना ये सब हथियार लेकर घूमते हैं, लेकिन मन के बहुत अच्छे लोग हैं। जब एक लड़का भी किसी लड़की को अपना लेता है ना, तो उसका साथ कभी छोड़ता नहीं है। जो भी होगा मिलके सामना करेंगे। फिलहाल तुम चेन्नई चली जा अपने परिवार के पास। अपन ही फंसेंगे भाई। भाई, टिप मिली है। वासु हमें वेलू बनकर अब तक धोखा दे रहा था। पूरा किस्सा समझा? मुझे तो उस पर तभी शक हो गया था जब उसने तलवार के बदले अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। शांति, देखिए दादी को क्या हो गया। आइए भैया, देखिए ना, ये सब मेरी गलती है। भैया आप दादी से बात कीजिए। मेरा लड़की को चिता में लेटाने के बाद ही मैं घर आके दादी का चेहरा देखूंगा। भैया रुकिए, भैया रुक जाइए। हमारे पास काफी सबूत हैं। वीरा रेड्डी के खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। जो चीज मेरी नहीं हुई किसी और की भी नहीं होगी। जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ गया। अब पूरे गांव में चिताएं जलेंगी। हमने जो एक्शन लिया है उस पे वीरा रेड्डी की क्या रिएक्शन है उस पे ध्यान रखना होगा। फैक्ट्री के जितने भी वर्कर हैं उन्हें बोलो सेकंड शिफ्ट में आने के लिए। शिफ्ट शुरू होने के 10 मिनट के बाद ही धमाका होगा। धमाके की आवाज सुनते ही पूरा गांव फैक्ट्री की तरफ दौड़ेगा। अपने आदमियों से कहना वेलू के घर में बच्चा बूढ़ा जो दिखे काट डाले। गांव में कोई भी हलचल हुई तो मुझे अपडेट कर देना। हो सकता है अपने आदमी थोड़ा रहम खा जाएं। बाहर से गुंडे मंगवाओ, आज मौत का नंगा नाच होगा। कुछ दिन और सबर करो लक्ष्मी। इससे ज्यादा सबर मैं नहीं कर सकती। वहाँ जाकर मैं उससे पूछूंगी आखिर अपनी माँ के पास आने से कौन मना करता है। चलिए ना मेरे साथ। वीरा रेड्डी, कहाँ छुपा है? निकल! वीरा रेड्डी कहाँ है? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अब दादी माँ कैसी हैं? ए बासु, अब जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन। आज तुझे मेरे असली रूप से रूबरू कराऊंगा। तेरे गांव का हर परिवार मातम मनाएगा, लेकिन तेरा परिवार मातम नहीं मनाएगा, क्योंकि तेरे परिवार में मातम मनाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। तुझ में जासूसी का बहुत बड़ा कीड़ा है ना? पता लगा बॉम्ब किधर है, जा। वासु, मैं अपने गांव के पास ही हूँ। गांव में कोई गड़बड़ हो रही है क्या? शुगर मिल के पास दो चोर मिले थे, उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए। वो लोग कहाँ के? वो दोनों अपने गांव के नहीं थे। वो शुगर मिल में क्या कर रहे थे? ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। शुगर मिल से कोई क्या चुराएगा? वहाँ कैश तो रखते नहीं है। वहाँ तो सिर्फ शक्कर होगी, उनके पास चोरी का सामान हो सकता है। मिल में इतनी सिक्योरिटी है, वो दोनों इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगे?
मैंने पता लगा लिया है भैया, हमारे गांव से शुगर फैक्ट्री में काम करने के लिए कोई नहीं गया है। और जो गए हैं वो दोपहर की ड्यूटी वाले थे। सबको एक शिफ्ट पे बुलाने की क्या वजह होगी? वासु, मुझे लगता है ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है उन्हें जानबूझ के इकट्ठा किया जा रहा है। एसपी ने इजाजत दे दी है, शायद एसपी से तुम्हारे चीफ ने बात की होगी। हाँ। जाओ इंक्वायरी कर लो। तुम दोनों बाहर के हो क्या? हाँ, हाँ। नाम क्या? आशीष। राजेश। सच सच बताओ, यहाँ किस लिए आए थे? क्यों आए थे यहाँ? बोलो। सब बताता हूँ। शुगर मिल में बॉम्ब है, जल्दी करो, बॉम्ब स्क्वाड को इन्फॉर्म कर दो। हा? जल्दी गाड़ी निकालो। वेलू, एक बहुत जरूरी काम है। अब क्या चाहिए तुझे? फैक्ट्री में बॉम्ब है। जल्दी जल्दी खाली करवाओ। बाहर चलो। जल्दी निकलो यहाँ से। निकलो, फैक्ट्री में बॉम्ब है। सुनो, अरे वीरा रेड्डी ने फैक्ट्री में बॉम्ब लगा दिया है। चलो फैक्ट्री की ओर, चलो चलो फैक्ट्री की ओर चलो। हेलो बल्ली, अभी के अभी फोन लेकर छत पर जा। क्या हुआ? बोल रहा हूँ वो कर। जा रहा हूँ। हमें हमारा खोया हुआ बेटा चाहिए, उसे हमें दे दीजिए माँ जी। भगवान राम की माँ अपने बेटे से 14 साल दूर रही, लेकिन मैं जल्दी बाहर ऊपर जाओ। सबको बाहर निकालो जल्दी। हाँ, अभी देखकर बताता हूँ। वेलू वेलू, सामने वाली गली से दो आदमी आ रहे हैं। बल्ली, चारों तरफ नजर रखना, फोन कटना नहीं चाहिए। आयशा, शंकर अन्ना के घर के पीछे दो आदमी छुपे हुए हैं। अय्यप्पा के घर के बगल में दो लोग छुपे हुए हैं। क्या है? बॉडी के नीचे वीरा रेड्डी कहाँ है? बता। वीरा रेड्डी राइस मिल के अंदर छुपा है। बॉम्ब अब तक फटा क्यों नहीं? ए, जाके चेक कर। तो तू आ ही गया, तुझे तो। जब मैंने बाहर कुत्तों को बासी खाना खाते देखा, मैं समझ गया यहाँ अंदर भी एक कुत्ता होगा, यहाँ छुपा बैठा।
माँ बाप को उस पर तुम्हारा पूरा हक है। वेलू चाहिए? ठीक है, ले जाओ, ले जाओ उसे। अगर उसने हमें देखा तो वो नहीं जाएगा, तो तुम उसे बाहर से ही अपने साथ ले जाना, ठीक है? खुश रहिए। वेलू, फंस गया, फंस गया ना। इसे मारना मत, ये मरना नहीं चाहिए। मैं इसे क्यों मारूं? मौत खुद इसके पास आ रही है। नहीं, मैं इसे बचाऊंगा। मैं जाके इसका पैर छुड़वाता हूँ, लेकिन तुम इसे मारना मत वेलू। ऊपर वाला नहीं चाहता कि किसी को भी तेरी हत्या का पाप लगे, इसीलिए तेरा पैर फंसा दिया। ऊपर वाले की नजर से आज तक कोई नहीं बच पाया है। तुझे अपने किए की सजा मिल रही है। हर चीज में जज्बात है, पेड़ पौधे कीड़े जानवर हर चीज में जज्बात होते हैं, तो तू कैसे पत्थर दिल पैदा हो गया? वो आज तुझे बचा नहीं पाएगा। अगर ट्रेन रुक भी गई ना तो मैं तुझे मारूंगा। मुझे लगता है कि वीरा रेड्डी को मौत का खौफ है। मेरी मौत को इतिहास में लिखा जाएगा। सिग्नल लॉक हो गया है, अभी चेंज करने पर एक्सीडेंट का खतरा है। अगर ट्रेन मुझसे टकराई तो कम से कम हजारों लोग मारे जाएंगे। इस ट्रेन में तेरे चाहने वाले लोग भी होंगे ना, इतना ही काफी है। बॉम्ब तो कार में, घर में, ट्रेन में, कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन तू जानता है मैंने बॉम्ब कहाँ लगाया है? देख ले। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बटन दबा दूंगा। तेरा जिंदा रहना जरूरी है ताकि तू सबको बताए कि वीरा रेड्डी जबान का पक्का था। अब तू मेरा कहर देख। पहले इस बम से मैं तेरे घर को उड़ाने वाला था, लेकिन तुझे सबक सिखाना था। तू यहाँ की पैदाइश नहीं है, फिर भी लोगों ने तुझे सर पे बिठा के रखा है। लेकिन आज मैं तुझ पर ऐसा कलंक लगाऊंगा कि मिटाने पर भी नहीं मिटेगा। ए, उसे मारना मत। क्या हुआ बेटा? पता है तेरी दादी माँ ने तुझे हमारे साथ जाने की इजाजत दे दी है। ये क्या कह रही हैं आप? उन्होंने कहा अपने बेटे को ले जाओ। आप भी बोलिए ना कुछ। चल बेटा, अब अपने घर चलते हैं। दादी माँ, वेलू, वेलू, दादी माँ, बाहर आइए। चाचा, शांति, अंदर क्यों छुपे बैठे हो?
बाहर आओ, बाहर आओ। तो आपने मुझे भेजने का इरादा कर लिया चाचा, ये आपका फैसला था? अच्छा, तो सबने मिलकर तय किया है, एक पल में सब खत्म कर दिया ना? मेरे माता पिता जरूरी हैं, मैं झूठ नहीं कहूंगा। तो क्या आज मुझे इस घर से जाने से रोकेंगे भी नहीं दादी माँ? ठीक, मैं जाता, मैं इस घर से चला जाता, लेकिन मेरी आंखों में देखकर जाने को कहिए, कहिए दादी माँ, कहिए ना, मेरी आंखों में देखकर कहिए, कहिए ना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, पर तुम पर मेरा कोई हक नहीं है वेलू, तुम पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। मेरा बच्चा, माँ उसे रहने दीजिए, माँ इसी घर में रहने दीजिए। अगर आज वो हमारे साथ होता ना, तो आपका प्यार हम दोनों में आधा आधा बढ़ जाता, पर इन लोगों ने अपना सारा प्यार वेलू भैया को ही दिया है। माँ वेलू कहीं भी रहे, कितना भी दूर रहे, आपका बेटा ही रहेगा माँ, ये सच्चाई कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अगर ये हमारे साथ आया तो ये इनका बेटा नहीं रहेगा माँ। समाज के लिए परिवारों की कुर्बानी देते हैं, आज एक परिवार की खुशी के लिए आपसे मैं आपके बेटे की कुर्बानी मांग रहा हूँ माँ। उसे यहीं रहने दीजिए माँ, उसे मत ले जाइए पापा। सब चुप हो जाइए, रोना बंद कर दीजिए। जब मेरा बेटा खोया था तो मैं दुआ करती थी कि वो मुझे मिल जाए, उसके बाद दिल में ख्वाहिश रहती थी कि मैं एक नजर उसे देख लूं। फिर लगा मेरा बेटा जहां कहीं भी हो बस सही सलामत हो, और आज ऊपर वाले ने मुझे बता दिया कि मेरा बेटा एक राजा की जिंदगी जी रहा है। बस इतना ही काफी है मेरे लिए, मैं खुश हूँ। माजी, जब मैंने मेरा बच्चा खोया था 3 महीने का था, और 27 साल इस दर्द को मैंने बर्दाश्त किया। आपने इसे 27 साल पाला, अगर ये गया तो वही दर्द आप सहेंगे। मैं नहीं चाहती दुनिया में ये दर्द कोई और सहे। नहीं, लीजिए आपका बेटा आपके पास ही रहेगा। सच कह रही हूँ, ये ऐसा कभी नहीं भूलूंगी।